اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي I welcome you all in today's first class of CAP 2 tax practices. आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहले CAP का कोई पेपर दे चुके हैं? कौन सा वाला? बिजनेस लॉ? Yes, sir. सबका बिजनेस लॉ? Yes. और कितने ऐसे जिन्होंने कोई पेपर नहीं दिया? वो भी हाथ रेस कर ले. कोई पेपर नहीं दिया, सही. ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा इस पेपर का नाम इधर बोर्ड पर मेंशन कर देते हैं. टैक्स प्रैक्टिसेस CAP 2. चलो, पेपर पर आने से पहले कुछ मेरा मुख्तसर सा तारुफ, उसके बाद टैक्स का तारुफ और उसके बाद फिर CAP 2 का तारुफ. ठीक है. अच्छा, माई नेम इज मुनीर मोहम्मद शफी. I will be your facilitator for this subject of tax practices. पूरा ये पूरा subject मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, इंशाल्लाह. I am a fellow chartered accountant and a fellow chartered certified accountant. Fellow का लफ्ज तब लग जाता है जब बंदा किसी फील्ड में थोड़ा सा सीनियर हो जाता है ना, बाबा बन जाता है, तो फिर fellow का लफ्ज लग जाता है उसके साथ. ठीक है. So I am a fellow member of both chartered accountancy institutes. I also run my own chartered accountancy firm by the name of HM Chartered Accountants. मेरी practicing firm है और tax practice, audit practice हमारा काम है, हमारा ओढ़ना बिछोना है. So rest assured, you are in very safe hands, inshallah. ठीक है. ये subject, अच्छा मेरे ख्याल में मेरा इतना तारुफ काफी है, क्या ख्याल है? मैंने जब क्वालिफाई किया था, आई कंप्लीटेड माय आर्टिकलशिप फ्रॉम केपीएमजी कराची ऑफिस. उसके बाद फिर मैंने 5 साल इंडस्ट्री में सर्व किया एट अ सीनियर पोजीशन, और उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं जॉब के लिए नहीं बना, तो आई लेफ्ट जॉब एंड आई स्टार्टेड माय ओन चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस. ठीक है. पहले जब मैं सीए कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऑडिट नहीं कर सकता, मैं फर्म नहीं चला सकता, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो जॉब कर सकता हूं. आई एंटर्ड इनटू इंडस्ट्री. 5 साल जॉब करने के बाद मुझे पता लगा मैं जॉब नहीं कर सकता, जॉब मेरे बस की बात नहीं है. आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस. बताने का मकसद ये है कि यू आर इन सच अ प्रोफेशन, आप ऐसे प्रोफेशन के अंदर मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कीजिए कि विच गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी. तुम जो चाहो करो, इसमें कोई कैद नहीं है. बात समझ आती है? अच्छा, फिर अल्लाह का करम देखो, कोई बंदा आज बिजनेस शुरू करना चाहे उसको कितने पैसे लगते हैं भाई? अच्छा बिजनेस, ढंग का बिजनेस 30-40-50 लाख से कम में तो शुरू नहीं होता. लेकिन किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म बनानी हो, कितने पैसे लगते हैं? तो कोई पैसे, 5 पैसे कुछ नहीं लगता इसके अंदर. क्या ख्याल है? यू आर नॉट सेलिंग गुड्स, यू आर सेलिंग योर सर्विसेज, और वो सर्विसेज जो यहां पर है, जो आपके अंदर है, जो इस प्रोफेशन ने जो नॉलेज, जो स्किल्स आपको सिखा दी, इट इज बिल्ट इन यू, विद इन यू, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड है आपको. क्या ख्याल है? अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्रोफेशन है, मैंने काउंसलिंग सेशन में भी बात की थी कि इट हैज मल्टीपल डायमेंशंस, इट हैज मल्टीपल डायमेंशंस. तुमको ऐसा लगता है सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, अकाउंटिंग पढ़ने के बाद, फाइनेंस पढ़ने के बाद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने के बाद, कि मैं तो भाई सीएफओ बन सकता हूं सर, मैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा चला सकता हूं, उस लाइन में चले जाओ. मुझे टैक्स बहुत पसंद है, मुझे टैक्स बहुत अच्छा लगता है सर. कितने बच्चे ऐसे थे टैक्स पढ़ने के बाद, सर हमें टैक्स पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है सर, क्या हम टैक्स, अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं टैक्स प्रैक्टिशनर बनूं. मैंने बोला तूने अभी सिर्फ एक साइड देखी है कि नॉलेज कैसी है, लॉ कैसे हैं, इंटरेस्टिंग है, इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे आपको पता लगेगा. मैंने बोला तुमने इसका दूसरा रुख नहीं देखा कि व्हेन यू स्टेप इनटू योर प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ तो तुम्हें क्या चैलेंजेस भुगतना पड़ेंगे.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो दुनिया का सबसे हरामखोर तरीन डिपार्टमेंट है, तुम्हें उन लोगों के मुंह लगना पड़ेगा, तुम्हें रिश्वतखोरी के बाजार के अंदर उतरना पड़ेगा। मैंने बोला भाई ये देख लो, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें सिर्फ तब पता लगेंगी जब तुम इसको क्लोजली देखोगे, जब तुम फर्म में जाओगे, अगर तुम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हो तुम्हें ये चीजें देखने का मौका मिलेगा। हर चीज के साथ अपने चैलेंजेस जुड़े हुए हैं, क्या बात समझ आती है? चैलेंजेस हर स्टेप पे मिलेंगे आपको, हर जगह चैलेंजेस मिलेंगे। तो अभी मैं क्या सोचूं सर, बीइंग अ स्टूडेंट मैंने क्या करना है? तुमने सिर्फ एक चीज सोचनी है कि मैंने जो पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैंने जो पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है। मुझे नहीं पता कि मैं 1.5 साल बाद 2 साल बाद क्या सोच रहा हूंगा, किस जगह पर होऊंगा। पता नहीं मेरा किसी फर्म में अगर इंडक्शन हो जाए तो मुझे वो टैक्स डिपार्टमेंट में डाल दें तो अब मेरा उड़ना बिछोना क्या बन जाएगा? टैक्स बन जाएगा। मुझे ऑडिट में डाल दें तो अब मुझे क्या ही करने हैं? ऑडिट करने हैं। मुझे कॉर्पोरेट एडवाइजरी में डाल दे तो अब मुझे किस चीज को प्रैक्टिस करना होगा? कॉर्पोरेट लॉ को प्रैक्टिस करना होगा। मुझे नहीं पता आगे अल्लाह पाक ने मेरे लिए क्या लिखा हुआ है। जो भी लिखा हुआ है अल्लाह पाक ने, बेहतरी होगा और सबसे बेहतरीन होगा, बेहतर नहीं होगा, बेहतरीन होगा। तो मुझे अभी क्या करना है सर, और अभी क्या सोचना है मुझे? अभी तुमने सिर्फ ये सोचना है कि मैं जो आज पढ़ रहा हूं वो कैसे सबसे अच्छा पढ़ लूं, बस दैट्स इट। बहुत से बच्चे बहुत आगे का सोच रहे होते हैं और ये जो आगे का सोचते हैं ना, ये उनके आगे बढ़ने की सलाहियत को स्टॉप कर देता है। सर अटेम्प्ट हो गए, 2 अटेम्प्ट हो गए, पता नहीं आगे किस फर्म में एडमिशन मिलेगा, पता नहीं आगे फर्म में एडमिशन मिलेगा भी नहीं मिलेगा। मैंने बोला ये बता तू कल जिंदा होगा? ये गारंटी है तू कल जिंदा होगा? नहीं है ना गारंटी। तो तू आगे 3 साल की क्या प्लानिंग कर रहा है? क्या प्लानिंग कर रहा है 3 साल की? तू वो कर जो तू सबसे अच्छा कर सकता है। क्या? आज अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दे दे। आज का दिन है, आज क्लास है, 3 क्लासेस है, 3 अटेंड करनी है तूने क्लासेस। आज वो 3 क्लासेस सबसे अच्छी पढ़ ले बस तू। इसके बाद अगला टारगेट क्या होगा? सर अगला टारगेट है हमारे नेक्स्ट 6 मंथ्स और अटेम्प्ट, हमारी अटेम्प्ट। 2 अटेम्प्ट बाद क्या होगा, 3 अटेम्प्ट बाद क्या होगा, फर्म में जाऊंगा नहीं जाऊंगा क्या होगा, बहुत दूर की बातें। वी आर नॉट सपोज टू क्लाउड आवर थिंकिंग विद दीज अनसर्टेनिटीज, बिकॉज दीज अनसर्टेनिटीज विल स्टॉप आवर प्रोग्रेस, विल हिंडर आवर प्रोग्रेस टुवर्ड्स सक्सेस, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। बात आ रही समझ में? तो मेरा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए अगले 6 महीने बस। इज एवरीवन क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस? मैंने अगले 6 महीनों में क्या पढ़ना है, मैंने कितने पेपर देने हैं और मैंने उनको कैसे सबसे बेस्ट पढ़ना है। आगे गाइड करने के लिए हम बैठे हैं ना, हम कहां भाग रहे हैं? हम कहीं नहीं भाग रहे भाई, हम यहीं इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, हर स्टेप पे गाइड करेंगे, ना सिर्फ टैक्स में बल्कि जब आपको जिस स्टेप पर गाइडेंस की जरूरत होगी, योर ट्यूटर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट एट एनी स्टेप, सो रेस्ट अश्योर्ड। क्या बात समझ आती है? तो हमने अभी ये सोचना है कि हमने आज जो पढ़ना है वो सबसे अच्छा कैसे पढ़ना है। हमने अगर टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग और FR1 पढ़ना है, टैक्स, FR1 और लॉ पढ़ना है, हमने इन 3 सब्जेक्ट को बेस्ट कैसे पढ़ना है, ये आज हमारी सोच होनी चाहिए। That's it. ठीक हो गई बात? ये प्रोफेशन आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देगा आगे जाके। बताने का मकसद ये था कि दिस विल गिव यू इमेंस फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ऑप्शंस हैं। ये तो मैंने आपको कम ऑप्शंस बताए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दुनिया अलग है, जो तुम MFM में पढ़ते हो ना वो दुनिया अलग है, जो तुम MFM में पढ़ोगे फिर तुम CA फाइनल के BFD में पढ़ोगे वो कहलाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो तुम अकाउंटिंग पढ़ते हो FR1 FR2 FFR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दुनिया अलग है, ये फील्ड्स अलग अलग है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग फील्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग फील्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग फील्ड, टैक्स प्रैक्टिसेस अलग फील्ड, कॉर्पोरेट एडवाइजरी अलग फील्ड, ऑडिट अलग फील्ड। सो इफ यू आर एमिंग फॉर दिस प्रेस्टीजियस सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन, यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन योर हैंड्स वंस यू क्वालिफाई। इस पूरे जुमले में एक बात इंपॉर्टेंट थी क्या? वंस यू क्वालिफाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
So what should be our aim to qualify? The next aim, whatever we study with our maximum potential. Main jab Allah Pak ne mujhe when I was in my academics, jab meri padhai chal rahi thi, to Allah Pak ne alhamdulillah mujhe har har step par बहुत तरक्की दी, बहुत कामयाबी थी, मेरे पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी पास हुए। मैं इस क्वालिफिकेशन को जब पढ़ता था तो मैं एक ही नियत से पढ़ता था, अब कोई शिफ्ट नहीं है, अब कोई चेंज ओवर नहीं है। मैंने मैट्रिक किया था कंप्यूटर साइंस से, इंटर किया था प्री इंजीनियरिंग से, प्री इंजीनियरिंग के बाद मैं आ गया था सीए ज्वाइन कर लिया था मैंने। अच्छा, अब मुझे पता था अब कोई इधर उधर शिफ्टिंग विफ्टिंग हो नहीं सकती। This is the last move which I have made for my career. तो अब जो मैं पढ़ रहा हूँ, अब जो मैं सीख रहा हूँ, इसी से मैं रोजी रोटी कमाऊंगा, इसी से मैं रिस्के हलाल कमाऊंगा, इसी से मैं अपना और अपने घर वालों को पालूंगा। ऐसा ही है। तो जिस क्वालिफिकेशन से, जिस स्टडीज और जिस क्वालिफिकेशन से मैं रिस्के हलाल कमाने का सोच रहा हूँ, तो मुझे उसको किस तरह पढ़ना चाहिए? दिल और जान से पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? दिलो जान से पढ़ना चाहिए। मुझे सिर्फ पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे तो प्रोफेशनली एक्सेल करने के लिए पढ़ना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए पढ़ना चाहिए। क्या ख्याल है? मैंने एक मिसाल दी थी काउंसलिंग सेशन में भी। मिसाल के तौर पर तुम टैक्स प्रैक्टिस में चले जाते हो, तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, पैसे मेरे पास कैश में आ गए हैं, क्या करना है इसका? लगे यार वो सब तो बात ठीक है, सारी चीजें आती है, मुझे बस ये नहीं आता कि कैपिटल गेन की टैक्सेशन और उसका ट्रीटमेंट और द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश उसका ट्रीटमेंट नहीं आता मुझे, क्या करना है इसका? बस ये नहीं आती, बाकी सब चीजें आती है। क्या ख्याल है? तुम्हारी प्रोफेशनल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट? वेरी वेरी लिंक, वेरी वेरी कनेक्टेड। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अ मिनट ऑफ दिस क्लास। अब मैं अगले मुद्दे पे आ रहा हूं। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अ मिनट ऑफ दिस क्लास। तो मेरी कोशिश क्या होगी? इंशाल्लाह अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है। इंसान की कोशिश तो खैर नाकिस होती है, लेकिन अल्लाह की मदद साथ हो जाए सो वी कैन डू वंडर्स। मैं लाख बड़ाइयां मार लूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये तोप कर दूंगा, मैं वो तोप मार दूंगा, कुछ नहीं कर सकता मैं। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के इरादे के बगैर आई कैन डू नथिंग। मैं जो बोल रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, ये अल्लाह के हुक्म से समझा पा रहा हूँ। लास्ट सेशन में ऐसा भी हुआ, मुझे मेरा ऐसा गला खराब हुआ, ऐसी खांसी, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। तो वो इंसान जो अपनी आवाज भी खुद से निकालने पर कादिर ना हो, वो क्या बड़ी बड़ी बातें करेगा? हाँ, अल्लाह के हुक्म से मुझे इस बात की इंशाल्लाह पूरी श्योरिटी है कि जो मैं आपको कोशिश करूंगा टैक्स पढ़ाने की, इंशाल्लाह हम ऐसे पढ़ेंगे टैक्स को कि आप टैक्स को इंजॉय करें, पढ़े नहीं, समझ के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ऐसा पढ़ेंगे आप ये कहें कि ये जो पढ़ा है ना सर, कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर है, कुछ भी आप पूछ लें, कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर है, याद भी सब कुछ है, प्रैक्टिस भी सब कुछ है, दे दे आई कैप जो पेपर देना है, कम वॉट में दे दे जो आई कैप को पेपर देना है। क्या करेगा? इससे बाहर देगा, दायरे से बाहर देगा? नहीं देगा, गारंटी है। लिखवा लो, साइन करवा लो, पेपर आएगा कोर्स के दायरे में ही रहकर आएगा, पेपर जो आया वो कोर्स के दायरे में ही रहकर आया। और जिन्होंने बिजनेस लॉ का पेपर दिया है उनको भी पता है कि अगर उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कोई चीज बुक की नहीं देखी, कोई चीज नहीं पढ़ी, कोई हैंडआउट के अंदर चीज छोड़ दी। अदरवाइज दे कैन नॉट से कि ये सर पेपर बुक से बाहर जा गया। आया क्या? नहीं आया। ये आईकैप की बहुत अच्छी चीज है। जब से आईकैप ने स्टडी टेस्ट लॉन्च की है, पेपर बुक से बाहर नहीं आता। जब मैंने सीए पढ़ा था कोई बुक नहीं थी, तो बुक में से आ ही नहीं सकता था। जब बुक ही नहीं थी तो एक लिस्ट आती थी सिलेबस के साथ, लिस्ट ऑफ रेकमेंडेड बुक्स की, छह किताबें हैं, छह किताबों से पढ़ लो, इसी में जाएगा। छह किताबें मतलब इंसान है क्या है? कॉस्टिंग की छह इंटरनेशनल ऑथर्स की किताब है, मैट्स एंड यूजरे, कॉलिन ड्रूरी, ये वो ये सारी किताबें, इसमें से कैसे बैठ जाऊंगा? अब हम पागलों की तरह मैट्स एंड यूजरे की मशीन मुश्किल सवाल कर रहे हैं, पता नहीं कहां से आ जाए यार। कॉलिन ड्रूरी की मशीन मुश्किल सवाल कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा सवाल आ जाए यार। कॉलिन ड्रूरी का नाम लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और अब आसानियां ही आसानियां, ईज, कन्वीनियंस, लेकिन फिर भी पासिंग रेशियो अच्छा नहीं है,
ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों सर? पासिंग रेशियो क्यों अच्छा नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि अब आपके पास आसानियां क्या क्या हैं। पहली आसानी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी टेक्स्ट। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी टेक्स्ट एंड क्वेश्चन बैंक। आएगा अपने एक दुनिया बता दी अपनी, ये स्टडी टेक्स्ट है, ये कोर्स है आपका, ये कोर्स ऑनलाइन है, ऐसे देंगे, इसी में से पेपर देंगे हम। फिर क्वेश्चन बैंक दे दिया प्रैक्टिस के लिए, और पास पेपर्स हमारे पास बहुत सारे हैं प्रैक्टिस के लिए, इसी में से आएगा और इसी में से आता है। मतलब इसके बाद मुझे ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए कि इफ दिस इज अवेलेबल विथ यू, यू हैव द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट। मैंने क्या पढ़ना है? अगर तुमने वो अच्छे से पढ़ लिया तुम पास हो गए इंशाल्लाह, जरूर भी जरूर पास हो गए। उन टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, उन टॉक्सिक लोगों से दूर रहो जो ये कहते हैं हमने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पेपर दिया, लेकिन आईकैप का तो काम ही फेल करना है, वो फेल ही करेगा। ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। क्या बात समझ आती है? जितना अच्छा चेकिंग मैकेनिज्म, जितना क्रिस्टल चेकिंग मैकेनिज्म आईकैप का है, किसी का नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस फ्लोर पर खड़ा होकर आपसे ये बात कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि हमने पूरा पेपर बेहतरीन दिया था एंड वी डिजर्व टू बी पास एंड वी हैव फ्लंक्ड, उससे दूर रहो। संकी है वो, वो अपनी गलतियों पर गौर ही नहीं करना चाहता। जो ऐसी बात करता है वो अपनी गलतियों पर गौर ही करना नहीं चाहता, वो अपनी गलतियों से मुझ छुपाना चाहता है, वो अगली दफा भी फेल होगा। बोलना क्या सही है आपको? हाँ यार फेल हुआ है, मुझे ऐसा लगता था मैंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन डेफिनेटली देयर कुड बी सम मिस्टेक ड्यू टू व्हिच आई हैव फेल्ड। नाउ आई हैव टू रेक्टिफाई माय मिस्टेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई माय मिस्टेक्स एंड देन आई हैव टू वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स टू ओवरकम दोज एरर्स, टू ओवरकम दोज मिस्टेक्स एंड देन आई विल डेफिनेटली पास इंशाल्लाह। देयर इज नो रीजन आई कैन नॉट पास दिस पेपर। सिंपल, ये बात समझ आती है? सो हैव दिस एटीट्यूड। अगर ये एटीट्यूड आप में है आप से ये पास कर लेंगे, आप पेपर पास कर लेंगे। स्टडी टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल, मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम आपके पास अवेलेबल है। क्या ख्याल है? अब एग्जामिनर आपको मार्किंग स्कीम भी देता है किस चीज के कितने मार्क्स थे। एग्जामिनर कमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? अच्छा, वैसे आम तौर पर हम इन चीजों को ज्यादा रेफर कर भी नहीं रहे होते। स्टडी टेक्स्ट आपकी मर्जी हो खोलना हो खोलो, हम स्टडी टेक्स्ट को नहीं खोल रहे होते। मैं आपको थ्रू आउट दिस सेशन हर चैप्टर के आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, डिटेल्ड नोट्स, और अभी मैं शेयर भी करूंगा हमारे नोट्स किस तरह के होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। उन नोट्स में क्या होता है, उस नोट्स में पूरा कंटेंट होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे पास पेपर्स होंगे, जितने भी पास अटेम्प्ट्स में पेपर आए हुए हैं, जितने भी अटेम्प्ट्स के 15 अटेम्प्ट्स के 10 15 20 अटेम्प्ट के पेपर होंगे उसमें सारे पास पेपर्स होंगे। फिर उस हैंडआउट के आखिर में एक समरी लगी हुई होगी जो उस पूरे हैंडआउट को समराइज करती होगी, वो वन पेजर समरी होगी जो पूरे हैंडआउट को समराइज कर रही होगी। यानी कि यूं समझ लो कि आपको पूरा निवाला बना के खिलाया जाएगा, फिर मुंह हिलाया जाएगा ताकि चबा लो आप, फिर आपको पकड़ के हिलाया जाएगा ताकि हजम भी हो जाए। उसके बाद भी अगर आप कहो कि सर पेपर मुश्किल था, तो बहुत माजरत, इसका मतलब आपने सही तैयारी नहीं करी। अब तो अल्लाह का शुक्र है टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई बच्चा कहता है ना सर ये पेपर में ऐसा आ गया, ये तो हमने पढ़ा नहीं था। अच्छा, बेटा सब रिकॉर्डेड है, क्लास में अवेलेबल है, कब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था, सब मौजूद है। वो अलग बात है, तूने उस दिन क्लास नहीं ली थी, तू उस दिन आधा घंटा लेट आया था, तो तेरा ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया। अगर तेरा कॉन्सेप्ट मिस हो गया, इट डजंट मीन कि टीचर ने नहीं पढ़ाया। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे के अंदर, सब चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी, टीचर ने क्या बोला, क्या पढ़ाया, क्या प्रैक्टिस करवाई, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। तो अब अगर कोई बंदा ऐसी बात बोलता है पेपर मुश्किल आया था, आउट ऑफ आया था, आता नहीं था, टीचर ने पढ़ाया नहीं था, वो बोंगी मार रहा है फजूल में, उसकी बातें ना सुनो, डोंट लिसन टू। बात समझ आ गई? नेगेटिविटीज को पहले अपने दिमाग से खारिज कर दो, नेगेटिविटीज को दिमाग से खारिज कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी को खा जाएंगी। इस वक्त तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पहली बात, पहली पॉजिटिविटी।
इंशाल्लाह अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, सारी क्लासेस लेंगे, टाइम पे क्लासेस लेंगे, कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, कोई टेस्ट मिस नहीं करेंगे, होमवर्क मिस नहीं करेंगे, सर की बातें बताई हुई हैं जो उनको मानेंगे, ना सिर्फ हम पास होंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, ना सिर्फ पास होंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे इंशाल्लाह, एंड दैट्स अ गारंटी इंशाल्लाह, गारंटी। अगर तुमने सिर्फ क्लासेस ले ली ना, मैं तुम्हें क्लास का ड्यूरेशन और प्लानर भी दिखाता हूँ, तुमको इस बात का एहसास होगा। सो लेट्स हैव दिस फर्स्ट ना, ताकि जो मैं बातें करूं फिर तुमको नजर भी आ रही हो, क्योंकि मैंने कुछ चीजें और कुछ एनालिसिस आप लोगों के लिए बनाए हैं। आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास। पीछे पास ऑन करते चले जाओ बच्चा। पीछे पास ऑन करते चले जाओ बेटा। एक्स्ट्रा सबको मिल गया बेटा ये एनालिसिस, एनालिसिस वाला पेपर सबको मिल गया, ये लो बेटा पास ऑन करते जाओ। पीछे ये मिल गया, ये लो बेटा पीछे देखो, किसी को अगर नहीं मिला तो बेटा मैंने आप लोगों को तीन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, थ्री डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो नहीं दिया आपने, हमें तो आपने सौतेला करार दे दिए। ऑनलाइन बच्चे क्या करें, ऑनलाइन बच्चे ठंड मचाएं जिस तरह वो भी मचा रहे हैं, अय्याशी करें। अच्छा भाई कौन सा हैंडआउट नहीं मिला बेटा किसको, पहले था टैक्स रेट कार्ड, टैक्स रेट कार्ड सबको मिल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स रेट कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं मिला तुम्हें। दूसरा एनालिसिस, पास्ट एग्जाम एनालिसिस, ये किसको नहीं मिला, पास्ट एग्जाम एनालिसिस मिल गया, टैक्स रेट कार्ड मिल गया, ये लो भाई पास्ट एग्जाम एनालिसिस जिसको नहीं मिला जरा दो बेटा। और तीसरा जो मैंने दिया है वो दिया है हैंडआउट नंबर वन, हैंडआउट वन नहीं मिला, ये लो भाई हैंडआउट नंबर वन जिनको नहीं मिला वो भी ले लो। अच्छा भाई अब चूंकि डिस्कशन हमारा उस मोड पर निकल चुका कि हमने कैफ टू को टच कर ही लिया है, तो आओ जरा देखते हैं कि इस कैफ टू का डिवीजन किस तरह से है, इस कैप टू का डिवीजन किस तरह से, ये जो टैक्स का सब्जेक्ट है हमारा, टैक्स का पेपर है, इसमें तीन एरियाज हैं, कितने तीन एरियाज हैं, ये आई कैप की जो सिलेबस गाइडलाइन है उसमें इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है इनकम टैक्स, दूसरा हिस्सा है सेल्स टैक्स, और तीसरा हिस्सा है एथिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एटसेट्रा, यानी कि जनरल थ्योरी का एरिया है। इनकम टैक्स का जो पोर्शन है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हो सकता है दो चार मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए भाई, इनकम टैक्स का पोर्शन है वो आएगा 60 से 75 मार्क्स का, सेल्स टैक्स आएगा 20 से 30 मार्क्स का, और ये आएगा 8 टू 10 मार्क्स का। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एंड दिस इज जनरल थ्योरी, वेरी इजी थ्योरी, ठीक है, बहुत आसान सी थ्योरी है ये तीन हिस्सों में आपके कोर्स को किया गया है डिवाइड, ठीक है। अच्छा भाई सबसे पहले तो आओ पास्ट एनालिसिस पे, नहीं ये जो पास्ट एनालिसिस का पेपर है ना इसका सबसे आखिरी पेज है कोर्स ड्यूरेशन एंड प्लानर, कोर्स ड्यूरेशन प्लानर नजर आ रहा है। अच्छा आई कैप
का जो सिलेबस है, आईकेआर की जो सिलेबस गाइडलाइन है वो ये कहती है कि ये कोर्स आपने बच्चों को 120 से 130 घंटों में पढ़ा देना है। ये 120 घंटे का कोर्स है, कितने घंटे का? 120 घंटे का कोर्स। लेकिन मेरी ये अप्रोच रहती है कि मैंने इस कोर्स को ऐसे डिलीवर करना है कि आपने इसे अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर आपने इस नॉलेज को यूज करना है। बहुत सी लॉ के अंदर बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां पर यह समझना भी जरूरी होता है कि इस लॉ के लाने की वजह क्या थी। सिर्फ लॉ को पढ़ लेना काफी नहीं होता, मजा तब आता है जब आप उस लॉ के पीछे छुपे रैशनल को पढ़ें कि ये लॉ आया क्यों था। ठीक है, फिर प्रैक्टिस, हर हर एरिया की वी डू एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। पास पेपर, बहुत सारे अटेम्प्ट्स के पास पेपर हम लोग क्लास में खुद सॉल्व कर रहे होते हैं। चाहिए, सो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात की हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन रहती है कि फ्रॉम मैनेजमेंट, फ्रॉम KNS मैनेजमेंट, फ्रॉम प्रिंसिपल साइड, वो कभी हम टीचर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि तुमने इतने कम घंटों के अंदर कोर्स खत्म कराना है, 120 घंटे में कराना है, 130 घंटे में कराना है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट कि आपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से कोर्स खत्म कराना है, जितना टाइम लगता है टेंशन नहीं लेनी, जिसके हिसाब से हमें टाइम लगता है। और ये है कोर्स ड्यूरेशन प्लानर। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं तो 175 घंटे तो पक्का पानी लग ही जाने हैं। क्या बात समझ आती है? 175 घंटे तो हमें लग ही जाने हैं अच्छे से पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में। 175 आवर्स तो हमें लग ही जाने, फिर क्लास के बीच में कभी ब्रेक भी आता है, ये सब चीजें होते ही जो सामने रखते हुए ये एक कोर्स का प्लानर आपके सामने है। किस एरिया पे कितना टाइम लगता है, कौन से एरिया पर कितना परसेंट टाइम कंज्यूम होता है, ये आपकी विजिबिलिटी के लिए मैंने एक टेंटेटिव चार्ट बना दिया है। और नीचे जो मैंने बात लिखी हुई है उसको भी आप देख सकते हैं कि विद एक्सटेंसिव प्रैक्टिस एंड ग्रैंड रिविजन द कोर्स ड्यूरेशन कैन रीच अराउंड 200 आवर्स। और लास्ट टाइम 200 आवर्स से ज्यादा का बैच था हमारा। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था, मैंने काउंसलिंग सेशन में भी ये बात बताई थी कि टैक्स का पेपर बच्चों वाला पेपर नहीं होता। अब जब आप टैक्स पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि आपको जिम्मेदारी वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। पहले ये सब्जेक्ट होता था कैफ 6, बच्चा कैफ 1 2 3 देता था, फिर 4 5 6, अच्छा 4 5 6 के बैंड में भी सबसे आखिर में होता था 4 5 6। जब मैंने पढ़ा तो भी ये मॉड्यूल सी में होता था, उस वक्त मॉड्यूल होते थे ABC, तो टैक्स का पेपर होता था मॉड्यूल सी में। यानी एक बच्चे का मेंटल लेवल बनते बनते बनता है तो वो टैक्स पढ़ेगा ना। अब आईकैप ने क्या किया, इसको उठाया, आगे से उठा के रख दिया शुरू में, कैफ 2 बना दिया इसको, कैफ 2 बना के हमारे लिए अजाब बना दिया आईकैप ने। अब बच्चा यूं समझ लो कि इंटर के बाद कैफ 2 पढ़ रहा है। PRC तो इंटर से भी आसान होता है ना भाई, आवाज ही नहीं निकल रही। मतलब PRC AFC तो इंटर का भी सबसेट होता है ना यार। तो यूं समझ लो कि बंदा इंटरमीडिएट की छावनी से निकल के सीधा कैफ 1 कैफ 2 और कैफ 3 पढ़ रहा है। कैफ 3 का सब्जेक्ट पहले होता था कैफ 8 पिछली स्कीम के अंदर, और कैफ 8 वॉज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट पेपर ऑफ द कैफ स्ट्रीम। अब उसने कैफ 8 को उठाया, कैफ 3 बना दिया। अरे सर अभी चूजा अंडे से निकला है, सर अभी उसकी आंखें पूरी खुली नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? निका भाई ये तो होगा भाई। हमने कहा ठीक है होगा तो फिर होगा। तो इसीलिए अब टैक्स को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, आपके मेंटल लेवल को उस सतह पर लाने के लिए ना चाहते हुए भी टाइम ज्यादा लगता है। एंड वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपको इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो जाएगा। तो एक बात तय है, हमने पूरा कोर्स पढ़ना है, ना सिर्फ पढ़ना है समझना है, और बहुत अच्छे से समझना है, ना सिर्फ पढ़ना है समझना है, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज पहली क्लास में किसी बच्चे को कोई चीज समझना आती हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, मैं हर बार कहता हूं जरूर पूछ लो, दिल में ना रखो, पूछ लो।
क्लास में पूछने से हेजिटेशन होती है, क्लास के बाद पूछ लो। मैं इधर ही बैठता हूँ क्लास के बाद, जब तक सारे बच्चे अपने सवाल पूछ के फारिग नहीं होते, ठीक है। क्लास के बाद भी मैं अवेलेबल होता हूँ, क्लास के बीच में अवेलेबल होता हूँ, फिर जो हमारी 2-2.5 घंटे की क्लास होगी उसमें 10-15 मिनट का ब्रेक आता है, ब्रेक में भी मैं क्लास में ही अवेलेबल होता हूँ। तो जरूर भी जरूर पूछ लो। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे भी है, वो क्या, मैं जब कहता हूँ ना पूछ लो, नहीं समझ आता पूछ लो, इसका मतलब यह है कि आप क्लास में बैठे हो, आपने क्लास ली और समझ नहीं आया तो आके पूछ लो। ऐसा ना किया करो कि क्लास नहीं ली, छुट्टी मार ली, 1.5 घंटा लेट आए, सर वो मैं जरा लेट आया था और मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया, तो आप दोबारा समझा दें। क्या ख्याल है, 125-150 बच्चों की क्लास के अंदर अगर ऐसे 20-25 बच्चे हों जो मुझसे कहें कि सर मैं लेट आ गया या मेरी क्लास मिस हो गई, ये दोबारा समझा दें, ये दोबारा समझा दें, ये दोबारा समझा दें, तो क्या मैं इंसान हूं, नहीं हूं? सो व्हाट आई एक्सपेक्ट अ प्रोफेशनल डेकोरम फ्रॉम योर साइड। आप क्लास रेगुलरली लेंगे इंशाल्लाह, टाइम पर आएंगे, लेट नहीं होंगे। हमारी क्लास अगर टाइम टेबल में 10 बजे शुरू हो रही है तो 10 या 10:05 पे शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या बात समझ आती है? मेरा घर कैंपस से बहुत करीब है तो मेरी तो आंख भी अगर 10:05 कम पे खुलेगी तो भी मैं 10:05 पे आ जाऊंगा यहाँ पे, सही है? तुमने टाइम से निकलना है घर से। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर 2-3 चीजों का बहुत ख्याल रखना है। अब हम कोर्स की तरफ आने वाले हैं, तो कोर्स से पहले की कुछ जो लवाजमात हैं, आपको एक मिला है टैक्स रेट कार्ड, मिला है सबको टैक्स रेट कार्ड, हर क्लास में आपके साथ आएगा टैक्स रेट कार्ड, हर क्लास में आपके साथ आएगा। क्या ये बात क्लियर है? कैलकुलेटर हर क्लास में आपके साथ आएगा। मैं ना देखूं कि बच्चे सेलफोन निकाल के सेलफोन के कैलकुलेटर से काम कर रहे हैं। देखो अगर तुम कैलकुलेटर नहीं लाओगे तो यही आखिरी तरीका बचता है, लेकिन अगर तुम कैलकुलेटर नहीं लाओगे इसका मतलब कि तुम इस सब्जेक्ट को इतनी रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो कि तुम थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेटर ही ले हो। तुम जितनी इस पेपर को रिस्पेक्ट दोगे ना, ये पेपर तुमको उतनी रिस्पेक्ट देगा। मैं बच्चे को हत्ताउल इम्कान पुश करता हूँ, फोर्स करता हूँ, लेकिन माशाल्लाह सारे के सारे बड़े हैं, नौजवान हैं, ना मैं डांट सकता हूँ ना मैं मार सकता हूँ, वरना मैं वो भी कर जाता हूँ, सही है? तो आपने खुद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है। मैं सिर्फ दिली दिल में कूड़ सकता हूँ, लेट आओगे 1/2 घंटे बाद 1/4 घंटे बाद लेट आ रहे होगे, टहलते टहलाते आ रहे होगे, मैं सिर्फ गुस्से भरी नजर से देख सकता हूँ। होमवर्क दिया तुमने नहीं किया, रजिस्टर खाली है, मैं सिर्फ तुमको टफ लुक्स दे सकता हूं, और क्या करूंगा? असल पनिश तुम्हें कब मिलेगी? आईकैप का रिजल्ट देगा असल पनिश। और तुम यकीन करो ये रिजल्ट बड़ा कातिल होता है, आईकैप का बड़ा कातिल होता है ये, यकीन करो तुम। इसलिए कातिल होता है ये, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे साथ का बच्चा रिजल्ट आया वो आगे निकलता जा रहा है और तुम पीछे बैठे जा रहे हो। ये यूनिवर्सिटी नहीं है कि कम जीपीए से पास हो गए तुम भी आगे निकल जाओगे। ये फर्स्ट ईयर इंटर नहीं है, उसकी 85 आई मेरी 75 आई, दोनों इंटर में जाएंगे सर, नहीं है ये, दोनों इंटर में जाएंगे, ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। सीए का रिजल्ट दिल पे छुरियां और आरे चला देता है, यकीन करो तुम। अगर रिजल्ट आएगा और तुम्हारे दोस्त का जानी दोस्त का पेपर पास होगा ना, दिल के ऊपर मिर्चें छिड़क जाएंगी तुम्हारे, यार इसका पास हो गया यार, मेरा रुक गया। ने बोला भाई जो मेहनत करेगा उसका पास होगा माजरत के साथ, और जो मेहनत नहीं करेगा उसका पास नहीं होगा। फर्म के अंदर तुम्हारा 2 साल जूनियर, आई हैव सीन यार, आई हैव सीन सच केसेस। आप हमने तो खैर बहुत टाइम गुजार दिया, बहुत केसेस देख लिए, फर्म में एंटर हो रहे हैं, जूनियर है ना, जब फर्म में एंटर होते सबसे जूनियर होता है निक्के, वो सीनियर जिनको 2-2 साल हो गए, 2.5-2.5 साल हो गए, वो जूनियर जो अच्छा पढ़ने वाला है, अटेम्प्ट लगी पास हुआ, सीनियर से आगे निकल गया, सीनियर बेचारा बैठा हुआ उसके पेपर ही नहीं निकल रहे। मतलब कैन यू इमेजिन दैट फीलिंग? यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट फीलिंग। अल्लाह पाक कभी आपको उस प्रोसेस से ना गुजरवाए, हमारी दुआएं आपके साथ है। लेकिन आमीन माशाल्लाह इंशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीजें एक लिमिट तक काम करेंगी भाई, सीधी सी बात है, एक लिमिट तक काम करेंगी, क्योंकि अल्लाह पाक इंसाफ करने वाले हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसको भी अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं, लेकिन सबसे बढ़कर इंसाफ करने वाले भी कौन ही हैं, वो भी अल्लाह ही है। अल्लाह देख रहा है कि तू कम पढ़ रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है, ये और ज्यादा पढ़ रहा है, ये और ज्यादा पढ़ रहा है, ठीक है, कौन क्लास टाइम से ले रहा है, कौन होमवर्क कर रहा है, कौन सीरियस ले रहा है पढ़ाई को, कौन नहीं ले रहा, ये सब अल्लाह जानता है। क्या बात समझ आती है बेटा? अच्छा वापस से आता हूं, टैक्स रेट कार्ड हर क्लास में लेकर आओगे, कैलकुलेटर हर क्लास में तुम्हारे पास होना चाहिए, टैक्स का एक रजिस्टर बनेगा इतना मोटा, चलो थोड़ा कम भी कर लो तो इतना तो कम, इतना कर लो बस, इससे कम मत करना, दिखाओ, गुड, ऐसा एक रजिस्टर बनेगा टैक्स का कम से कम, ठीक है, ऐसा एक रजिस्टर बनेगा टैक्स का, कितने पेज का बेटा ये, 200-300 पेज का एक रजिस्टर, अच्छा बड़ा रजिस्टर, जिसमें सिर्फ टैक्स का काम करना हो सके तो चलो, अगर तुम्हें आसानी करनी हो तो इसके दो हिस्से कर लो, दूसरा सब्जेक्ट भी कर लो, लेकिन एक सेपरेट रजिस्टर हो टैक्स का, ऐसा ना हो कि एक क्लास टैक्स की हो रही है, उसके अगले पेज के ऊपर FR1 की, अगले पेज पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, अब सर बोल रहे हैं जरा निकालो तो क्या पढ़ा था हमने, अब सर वो ढूंढ रहे हैं, FR1 तो नजर आ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नजर आ रहा है, टैक्स नजर नहीं आ रहा, माजरत के साथ, हमने कहा फिर रिजल्ट में एग्जामिनर भी आपसे माजरत करेगा, ऐसी हरकतें मत करना। कैलकुलेटर, टैक्स रेट कार्ड, रजिस्टर, चौथी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, द पेन विच यू आर यूजिंग। कुछ लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करते, लेकिन मैं बड़ा फोकस करता हूं इस पर, आप जो पेन आज यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग योर क्लासेस, देखो ये तक बता रहा हूं, अल्लाह जानता है, पेन तक बता रहा हूं इस्तेमाल करनी है और कैसे करनी है, ठीक है, अब देखो पास हो जाना। पेन जो तुम एग्जाम में इस्तेमाल करने वाले हो ना, आज से सोच लो कौन सी इस्तेमाल करने वाले हो, आज सोच लो, सर पार्कर करनी है, मॉन्ट ब्लांक करनी है, कौन सी पेन इस्तेमाल करनी है, आज सोच ले। ऐसा नहीं हो पेपर से एक दिन पहले अम्मा कह रही है मेरा बच्चा सीए का पेपर देने जा रहा है, मैंने तेरे लिए 50,000 रुपए की मॉन्ट ब्लांक खरीद के रखी थी, तू इससे पेपर देगा, अम्मा को बोलो वो आज दे दें, वो पेन आज दे दें, आज से उसी पेन को इस्तेमाल कर। लेकिन अगर तूने एक दिन, दो दिन, तीन दिन पहले पेन चेंज की, अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। जिस पेन पे हाथ सेट होगा, जिस पेन से हाथ सेट होगा, वही पेन पेपर में इस्तेमाल होगी। और हाथ कैसे सेट होगा? क्लास में वही पेन इस्तेमाल होगी। अब चाहे वो पियानो की 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली पेन इस्तेमाल करो, पिकासो की, पियानो की, पार्कर का पेन इस्तेमाल करो, मॉन्ट ब्लांक का पेन इस्तेमाल करो, मेरी भला से जो करो, पहली क्लास से लेकर पेपर के दिन तक वही पेन इस्तेमाल करोगे। क्या बात समझ आती है? पेन चेंज मत करना। कैलकुलेटर के ऊपर भी एडवाइजरी मैं ही दूंगा तुमको। कैलकुलेटर कौन सा इस्तेमाल होगा? कैलकुलेटर मेरी सजेशन ये होती है FX 991 ES, द बेस्ट विच यू कैन हैव। कैलकुलेटर चाइना का 2 नंबर लेने से एतराज करना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है उसमें 100+100 300 आता है आंसर। हाँ ऐसा होता है कभी कभी, रिजल्ट गलत आ जाते हैं, चाहिए एक दफा का खर्चा है, एक दफा का। मुझे याद पड़ता है मैंने अपने इंटर में लिया था कैलकुलेटर FX 991 ES, सीए फाइनल के आखिरी पेपर में भी वही चला था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो एक दफा खरीद लिया था, ओरिजिनल खरीद लिया था, पैसे डाल के अच्छा खरीद लिया था। वो तब तक खराब नहीं होगा जब तक तुम उसको जमीन पे पटकोगे नहीं, गिराओगे नहीं, तुम्हारे बहन भाई उसको उससे खेलेंगे नहीं, तब तक नहीं खराब होगा। तो तुम्हें अपनी चीजों की हिफाजत खुद करनी है। क्या बात समझ आती है? सो परचेज अ गुड कैलकुलेटर। 2,500-3,000 रुपए लगते हैं, इतना ठूसते हो उसको थोड़ा कम करना और कैलकुलेटर के ऊपर खर्चा कर लेना। क्या बात समझ आती है? सबको क्लियर है? ये हो गए बेसिक प्रोटोकॉल्स, क्लियर है सबको? अच्छा भाई जबरदस्त बात हो गई। क्लास होगी हमारी रोज 10 बजे क्लास होती होगी हमारी, जो हमारा मंडे से टाइम टेबल फिक्स होगा इंशाल्लाह सेशन के एंड तक वही चलेगा। हमारा टाइम टेबल चेंज नहीं होता, नहीं होगा इंशाल्लाह चेंज। हाँ कभी अगर एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ गई या कुछ ऐसा हो गया तो इट्स ओके। मोड सर डिलीवर किस तरह से होगा? हमारी क्लासेस फिजिकल तो हो ही रही होंगी, फिजिकल क्लासेस अल्लाह
अच्छा यही फिजिकल क्लासेस लाइव ऑनलाइन भी जा रही होंगी, तो जो स्टूडेंट्स घर से बैठकर अटेंड करना चाहें वो कर सकते हैं। बस इस पर मैं दो मिनट लेता हूं आपके, कुछ मेरे दिल के जज्बात है वो मैं आप तक पहुंचा दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिजिकल लाइव ऑनलाइन रिकॉर्डेड, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं, देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर फॉर एनीवन, देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर फॉर एनीवन। ये बोले थे मैंने लिखा अच्छा है फिजिकल क्लास में आना अच्छा है, ऑनलाइन में लाइव में, नो एब्सोल्यूट आंसर। लाइव ऑनलाइन पढ़ के बच्चे पास हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, हुए हैं, मेरिट भी आए, मेडल्स भी आए, आ सकते हैं। लेकिन मेरा अपना एक ओपिनियन है, मेरी अपनी एक राय है, आपका उससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, यू कैन डिफर, यू कैन डिफर। मेरी राय यह है, मेरी नाकिस राय यह है कि जिस चीज पर भी आपकी एफर्ट ज्यादा लगती है, जिस चीज पर आपकी जान लगेगी, आपका माल लगेगा और आपका वक्त लगेगा, उसकी अहमियत और उसकी वैल्यू आपके दिल और आपके दिमाग में आएगी। क्या बात समझ आती है? आप मेहनत करके सुबह उठ रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, रेडी हो रहे हो, क्लास के लिए आ रहे हो, कोई बस में आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है, कोई गाड़ी में आ रहा है, फ्यूल खर्च करके आ रहे हो, क्लास में बैठे हुए हो, सर के सामने बैठे हुए हो और पढ़ रहे हो, इसके फजाइल ही कुछ और है, इसकी इंपॉर्टेंस ही कुछ और है। घर पे बैठे हुए हो, ऑनलाइन सर मॉनिटर के सामने, सेलफोन खोला हुआ है, अम्मा की आवाज आ रही है, अब्बा की आवाज आ रही है, छोटे बहन भाइयों की आवाज आ रही है, तीन डब्बे वाले के पीछे से आवाज आ रही है, घर में जो स्वीपर बेल बजा रहा है उसकी आवाज आ रही है, हर बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, उसके बाद भी अगर तुम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो बहुत अच्छे से, वेरी गुड, गो अहेड, अच्छी बात। हो सकता है किसी का बहुत पीसफुल रूम हो, वो वहां बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता हो, ओके डू इट, अच्छी बात है। लेकिन फॉर मेजॉरिटी और खास तौर पर हम अपनी आवाम के लिए, मैं एक और सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, ACCA का एडवांस्ड ऑडिट, सबसे लास्ट पेपर होता है, सबसे एडवांस्ड आखिर का पेपर होता है ऑडिट, सीक्वेंस में भी सबसे लास्ट होता है वो, तो वो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, वो पूरा सब्जेक्ट इंग्लिश में डिलीवर होता है। और आप यकीन करो कि मैं जब अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखता हूं और मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देखता हूं, तो जमीन और आसमान का फर्क है, उनकी सीरियसनेस में जमीन आसमान का फर्क है, उनके डिसिप्लिन में जमीन आसमान का फर्क है। बात समझ आती है? हमारे यहां पे तो बच्चे का डिसिप्लिन ही नहीं, और कोरोना के अंदर जो था वो भी तबाह बर्बाद हो गया, तो हमारा बच्चा सीरियस नहीं है, माजरत के साथ उसको डंडे मार के, उसके सर पे डंडे मार के सीरियस करना पड़ता है। मैं क्लास में होता हूं और मैं बोलता हूं ना बेटा ये चलो ये सवाल है इसको करो, तब जाके मैं खड़ा होऊंगा ना तो उसका पेन चलता है, वरना तो वो चाहता है सर ने बोला करो, हाँ हाँ कहां नजर आऊंगा सर को, मैं छोड़ो ना सर कराएंगे तो सही। ये अप्रोच है, होमवर्क सर ने दिए, अबे पागल छोड़ ना सर, क्लास में कल कराएंगे ना, देख के छाप लेंगे। अच्छा अब तो उतनी भी नौबत नहीं आती, और हराम खोरी छा गई है, मोबाइल निकाल दे स्नैपशॉट, बेटा कर लिया, हाथ नहीं चल रहा तुम्हारा सर, वो हो गया सर, डन डन है, गए रजिस्टर खाली, कहां डन है बेटा सर, ये देखें आपके भाई ने पिक्चर ले ली। अच्छा वो सारी के सारी पिक्चर थोड़े दिन बाद ऐसी खोएंगी कि मिलेंगी भी नहीं, मिलेंगी भी नहीं, यकीन करो तुम। अगर तुम लोग इतने डिसिप्लिन्ड होते तो तस्वीर लेते, तस्वीर को संभालना, उसको मैनेज करना, उसकी सीक्वेंसिंग करना, उसकी डेट वाइज अरेंजमेंट करना, अगर इतने अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज तुम होते तो कॉपी ना कर लेते, क्या ख्याल है? फिर अच्छा ये बातें लगता तुम लोगों को ऐसा है कि ये बातें तो सर ऐसे कर रहे हैं हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हम इतने सारे सवाल कर रहे होंगे कि तुम रजिस्टर पे सवाल कर रहे हो, कर लिए रजिस्टर पे सवाल, इतने सारे सवाल कर लिए, अब कौन से हैंडआउट के कौन से पेज का सवाल तुमने सॉल्व किया है तुमको मिले नहीं रहा, जब तुमको रिवाइज करना है तो हाँ सब किए हुए तो हैं, इस उम्र अय्यार की जंबील के अंदर कहीं छुपा हुआ तो है हमारा सवाल, लेकिन मिल नहीं रहा कहाँ है। तो इसके लिए जरा प्रॉपर थोड़ा सा काम ये कर लो कि जब तुम रजिस्टर के जिस पेज में सवाल करो ना उसके ऊपर हैंडआउट नंबर और पेज नंबर डाल दो कि ये क्वेश्चन नंबर टू है, हैंडआउट नंबर दिस, हैंडआउट का पेज नंबर दिस, ताकि कल तुमको वो मिल जाए आंसर। रेफरेंसिंग कर लो, हैंडआउट के ऊपर रजिस्टर का पेज नंबर डाल दो, हैंडआउट के ऊपर मिसाल के तौर पर हैंडआउट खोलो, हैंडआउट नंबर वन खोलो जो मैंने तुम्हें दिए, हैंडआउट नंबर वन है ये,
अब देखो जैसे कि हैंडआउट नंबर वन है ना, अब इस हैंडआउट नंबर वन में आ जाओ तुम, पेज नंबर सेवन पे आ जाओ, पेज नंबर सेवन पर आ गए तुम और क्वेश्चन नंबर टू बी पे आ जाओ, समर 2019। अब मैं अगर रजिस्टर के अंदर इस सवाल को अटेम्प्ट कर रहा हूं ना, तो मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन समर 2019 हैंडआउट वन पेज सेवन, ठीक है। और मैं साथ में इस हैंडआउट के ऊपर पता है क्या करूंगा, इस सवाल के आगे रजिस्टर का पेज नंबर डालूंगा जिस रजिस्टर के पेज के ऊपर मैंने वो सवाल अटेम्प्ट किया है, कि कल को मैं हैंडआउट रिवाइज कर रहा हूं और मुझे देखना है कि मैंने इसका सॉल्यूशन क्या लिखा है। ओहो, पेज नंबर 20 ऑफ रजिस्टर, ठक पेज 20 खोला, उधर सॉल्यूशन मौजूद है। क्या बात समझ आती है? यानी हैंडआउट उठाओ तो रजिस्टर में पहुंच जाओ, रजिस्टर उठाओ तो हैंडआउट में पहुंच जाओ। क्या ये काम कर लोगे? देखो, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विल हेल्प यू इन पासिंग दिस पेपर। एक बात तो तय है, सीए करना बच्चों का काम नहीं है, लेकिन एक बात भी तय है जो कि फैक्ट है, इसमें आ सारे बच्चे गए हैं। तो जो बच्चे हैं वो तो निकल लेंगे, कट जाएंगे, और जो अपने आप को बड़े होने के लिए तैयार कर लेंगे कि हाँ सर इट्स नाउ हाई टाइम टू गेट मैच्योर, वो आगे चले जाएंगे। जितने बच्चे कैफ टू दे रहे होंगे ना, तुम्हें सीए फाइनल के पेपर में 60% नहीं मिलेंगे, 50-60% नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ये बहुत, इसका पेपर एग्जाम बहुत कातिल होता है, बच्चे छटते चले जाएंगे, छटते चले जाएंगे, छटते चले जाएंगे। लाख इंशाल्लाह माशाल्लाह बोलते रहो, तुम जब तक मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे। हाँ, अगर तुमने मेहनत कर ली तो मैं बता रहा हूं, जो जितना बोले ये मुश्किल होता है, वो मुश्किल होता है, पास ही नहीं होता, सब फजूल बात करते हैं। बंदा जो मेहनत करता है उसका पेपर पास होता है और होकर रहेगा इंशाल्लाह। बात समझ आती है? और मैं कहता हूं ये कैफ टू का पेपर आपके लिए चैलेंजिंग पेपर है, मैं हर अटेम्प्ट में ये बात कहता हूं, कैफ टू का पेपर इज अ चैलेंज पेपर। कौन सा पेपर है? चैलेंज पेपर। क्यों चैलेंज पेपर आप क्यों कह रहे हैं सर इसको? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कैफ की स्ट्रीम का सबसे आसान पेपर है। तो सर फिर आप इसको चैलेंज पेपर क्यों कह रहे हैं? ये तुम्हारे लिए चैलेंज है कि अगर तुम इसको भी पास ना कर पाए तो बाकी क्या पास करोगे। क्या बात समझ आती है? अगर ये भी पास ना हो पाया तो बाकी मुश्किल मुश्किल क्या पास होंगे। दिस इज द टेस्ट पेपर, चैलेंज पेपर फॉर यू। और ये मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक पढ़ने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए, ढंग से क्लासेस लेने वाले के लिए, दिस पेपर इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल कैफ पेपर्स इन योर कैफ स्ट्रीम। लेकिन तुमने इसको आसान नहीं लेना, जिधर तुमने इसको आसान लिया ये तुमको चित कर देगा। है आसान, लेकिन ये आसान बनेगा, है नहीं बनेगा, कोर्स कवरेज से, प्रॉपर क्लासेस से और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से ये पेपर आसान बन जाएगा इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है, वो मेरा काम है बनाना। तुमने सिर्फ मेरा साथ देना है, आज वादा कर लो, मुझसे अहद कर लो, सर हम हत्ता उल इमकान इंशाल्लाह जब तक कोई इमरजेंसी ना आ जाए, बहुत इमरजेंसी ना आ जाए, हम क्लास मिस नहीं करेंगे। हाथ रेस करके मुझसे कमेंट करो आज, सर हत्ता उल इमकान, सर जब तक बहुत इमरजेंसी ना आ जाए हम नहीं करेंगे। अच्छा सर बहुत इमरजेंसी आ गई, सर बहुत इमरजेंसी आ गई, और सर मेरी सुबह आंख नहीं खुल सकी, यकीन करें आप। और सर इमरजेंसी ऐसी आ गई कि फिर मैं आ नहीं सका, यकीन करें आप, काफी देर की इमरजेंसी थी वो। तो हमने कहा भाई ऐसी इमरजेंसी नहीं होती, इमरजेंसी किसको बोलते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी अपनी क्लास मिस नहीं करता था, मेरे अल्लाह पाक ने जो मुझे तरक्की दी, जो मुझे कामयाबी दी, उसके कुछ उसूल हैं जो मैं अपने बच्चों से हमेशा शेयर करता हूँ। मैं क्लास कभी मिस नहीं करता था, तबीयत खराब हो जाए, बुखार हो जाए, मैं क्लास अल्हम्दुलिल्लाह मिस नहीं करता था। हमारे माँ बाप ने कभी छुट्टी का कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में डाला ही नहीं, ना स्कूल में, ना कोचिंग में, ना इंटर में, ना सीए में, ना ऑफिस, ऑफिस की छुट्टी, जितनी भी तबीयत खराब हो जाए मैं जाऊँगा। मैं ये सोचता था कि मेरी क्या इतनी तबीयत खराब है कि कल मेरा आई कैप का पेपर हो और मैं उसे छोड़ दूं। दिस वॉज माई टेस्ट, ये मेरे लिए मेरा टेस्ट होता था। मैं पूरे 6 महीने तैयारी करूं, आई कैप का पेपर है और मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई है और मैं आज पेपर मिस करने लगा हूं। हाँ, अगर ऐसा हाल है तुम्हारा तो क्लास मिस कर लो,
अदरवाइज डोंट डू दिस. तुम क्लास मिस करोगे तुम पीछे होते चले जाओगे. हफ्ते में 4-5 क्लासेस चल रही होंगी हमारी. तुमने क्लास मिस की, अगली क्लास से पहले तुमने कवर नहीं किया, तुम्हें पिछला समझ नहीं आया, तुम्हारी अगली भी मिस होगी. तुम बोलोगे अब क्या करूं, लेके चलो ऑनलाइन ही ले लूंगा. फिर वो ऑनलाइन लूंगा वो कभी भी नहीं लोगे तुम, और वो पाइल अप होती 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 बम बन जाएंगे तुम्हारे लिए. क्या बात समझ आती है? अब आ जाओ हम आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर. बहुत बातें कर ली हमने, इनिशियल बातें कर ली हमने. वक्तन फवक्तन हम बहुत सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह. आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर, आपकी डेवलपमेंट पर, आपकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस के ऊपर हम वक्त के साथ साथ बातें करेंगे. लेकिन कोर्स बहुत बड़ा है और हमें बहुत पढ़ना है और बड़ा आदमी बनना है, इसीलिए हम फौरन से इस कोर्स को शुरू करेंगे. अच्छा भाई, पास्ट एग्जाम एनालिसिस मैंने आपको दे तो दिया है, लेकिन अभी चूंकि तुम्हें कख सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, तो पास्ट एनालिसिस के बारे में क्या पता होगा, मैं क्या करूं इसमें बात करके. लेकिन मैं दे देता हूं, बच्चों को तसल्ली होती है हां टीचर ने एनालिसिस दे दिया, पास्ट एग्जाम एनालिसिस दे दिया टीचर ने. भाई ये पास्ट एग्जाम एनालिसिस तुम्हारे तब काम का है जब तुम कोर्स में कुछ पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ, फिर काम का है तुम्हारे लिए. एक बात इसमें काम की है तुम्हारे लिए, वो क्या? सर क्या ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है? बल्कि उससे भी पहला सवाल, सर क्या ये सब्जेक्ट पढ़ने में हमें मजा आएगा? क्या ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट पढ़ने में तुम्हें जितना मजा आएगा, इंशाल्लाह अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है, आई कैन गारंटी यू कि कैफ के बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में तुमको इतना मजा नहीं आएगा. सर ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आई मीन इट, एंड इंशाल्लाह ये आप अपने जबान से खुद कहोगे. इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. तो ये बात तो साइड हो गई, सर क्या ये बोरिंग है, क्या ये इंटरेस्टिंग है? इट्स डैम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सर क्या ये थ्योरेटिकल है, क्या ये प्रैक्टिकल है? देखो पहला वाला एनालिसिस किस टॉपिक से क्या आया, कितने मार्क्स का आया, ये अभी तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये बाद में काम आएगा. अगले पेज पे आओ, नेचर वाइज एनालिसिस, थ्योरी प्रैक्टिकल. थ्योरेटिकल कितना आता है, प्रैक्टिकल कितना आता है, ये भी एक एनालिसिस है. जनरली कहा यह जाता है आधा थ्योरी है आधा प्रैक्टिकल है, आधा थ्योरी है आधा प्रैक्टिकल है. लेकिन पिछले कुछ अटेम्प्ट से एग्जामिनर का प्रैक्टिकल फोकस ज्यादा है, प्रैक्टिकल फोकस ज्यादा है. तो क्या ये अच्छी बात है हमारे लिए या बुरी बात है? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स लव प्रैक्टिकल साइड, उनको नंबर्स ज्यादा पसंद होते हैं, कैलकुलेशंस में ज्यादा मजा आता है. बात समझ आती है? थ्योरी के अंदर परेशान हो जाते हैं, सर ये थ्योरी सर याद कैसे करें, सर ये तो देख के कुछ हो रहा है. इसीलिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को स्टूडेंट्स ज्यादा पसंद करते हैं. सो दिस इज गुड फॉर स्टूडेंट्स, दिस इज गुड फॉर स्टूडेंट्स. और इंशाल्लाह हम इतनी प्रैक्टिस क्लास के अंदर कर लेंगे कि अल्लाह के फजल से तुम्हारे लिए कोई चीज मुश्किल नहीं रहेगी इंशाल्लाह. तो ये अगला एनालिसिस है, इनकम टैक्स से कितना आता है, सेल्स टैक्स से कितना आता है. तो ये तुम लोगों ने खुद देख लो और खुद देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो. मुझे इसके ऊपर कोई टाइम लगाने की और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. अच्छा भाई, इनकम टैक्स से पहले मैं कुछ बात करूंगा. टैक्सेशन या टैक्स सिस्टम की इंपॉर्टेंट बात बेटा, तवज्जा, बातें नहीं होंगी बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी. सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ टैक्सेशन की और टैक्स सिस्टम की. हम जिन बैकग्राउंड से आए, कोई प्री मेडिकल से, कोई प्री इंजीनियरिंग से, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, जो जिस बैकग्राउंड से आया, अब वो हिस्ट्री है. नाउ दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज आवर कोर सब्जेक्ट. सो वी हैव अ वेरी साउंड, वी शुड हैव अ वेरी साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स एंड टैक्सेशन सिस्टम. बहुत ज्यादा साउंड अंडरस्टैंडिंग के लिए तो इंशाल्लाह ताला हम सीए फाइनल में मुलाकात होगी, क्योंकि ये पेपर भारत और सीए इंटर का पेपर है और ये एक छोटा पेपर है, यूं इतना. और सीए फाइनल का पेपर कितना पेपर है? इतना पेपर, सही है. उसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत थोड़ा है, सीए फाइनल में बहुत कुछ है. यानी कि सीए फाइनल में जो कुछ टैक्स के एम्बिट में आता है वो तुम्हारे कोर्स के एम्बिट में आता है. इट्स दैट हैवी पेपर, दैट बिग पेपर. सीए इंटर का पेपर को तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो तो सीए फाइनल का पेपर बनता है, सही है.
तो इस हाँ यस इट्स अ फैक्ट सीए इंटर के किसी भी पेपर को तुम मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ही वो सीए फाइनल का पेपर बनेगा भाई. इट्स दैट मच डिफिकल्ट और हम आपको उस डिफिकल्टी के लिए तैयार करवा रहे होते हैं. इसीलिए बार बार बोलते हैं फोकस सीरियसनेस फोकस सीरियसनेस फोकस सीरियसनेस क्योंकि अंटिल एंड अनलेस यू गेट सीरियस विथ योर ओन सेल्फ यू कैन नॉट पास सीए. टाइम तो पास कर लोगे एक साल दो साल तीन साल फिर छोड़ के चले जाओगे सीए लेकिन तुम्हारी जिंदगी की कीमती तीन साल तुम बर्बाद कर दोगे. हमारी जिंदगी बेकीमत नहीं है. हमारी जिंदगी और हमारा वक्त इतना सस्ता नहीं है कि हम सीए के अंदर तीन साल टाइम पास करें और रफू चक्कर हो जाए. अगर रफू चक्कर होना है 6 महीने के अंदर हो जाओ 1 साल के अंदर हो जाओ समझ लो ये मेरे बस का नहीं है. एग्री कर लो एक्सेप्ट कर लो. 2 साल 3 साल बर्बाद करके जाओगे तो टाइम भी बर्बाद हुआ पैसा भी बर्बाद हुआ और नई क्वालिफिकेशन जीरो से वहीं शुरू करनी है. बात समझ आई. तो हम आज ये अहद कर लें कि सर वी विल गिव आर 110%. जरूरी नहीं है. देखो एक बात तो तय है हम में से हर एक सीए नहीं कर सकेगा यहां पे. ये तय है ये फैक्ट है. फैक्ट है ये बात. कोई छोड़ेगा 6 महीने बाद कोई छोड़ेगा 1 साल बाद कोई छोड़ेगा 3 साल बर्बाद करके. बात समझ आती है. तो मैं सर क्या करूं क्या मैं सीए कर सकूंगा. इसका आंसर तुझे 6 महीने में मिल जाएगा. कितने महीने में कितने महीने में मिलेगा आंसर 6 महीने. तू चाहेगा तो 6 महीने में मिलेगा तू चाहेगा तो 3 साल में मिलेगा. तुम क्या चाहते हो 6 महीने में आंसर चाहते हैं सर हम. क्या हम सीए कर सकते नहीं कर सकते. अच्छा 6 महीने में अगर तुझे आंसर चाहिए ना तो तुझे इन 6 महीनों में अपना आप मारना पड़ेगा. अपनी हर ख्वाहिश को मारना पड़ेगा. अपनी हर अय्याशी तफरी को मारना पड़ेगा. अगर तू मूवीज देखता है छोड़नी पड़ेंगी. अगर तू दोस्तों के साथ घूमता फिरता है छोड़ना पड़ेगा. अगर तू सेलफोन के ऊपर दिन के 2 घंटे बर्बाद करता है तुझे छोड़ना पड़ेगा. तुझे हर चीज जो जिसपे तेरे टाइम बर्बाद हो रहा है ना तुझे छोड़ना पड़ेगी और तुझे पढ़ना पड़ेगा. अगर तूने उन 6 महीनों के अंदर ऐसा पढ़ लिया कि उस 6 महीने में तूने 3 दिए और तेरे 3 पास हो गए तुझे आंसर मिल गया. तुझे 6 महीने में आंसर मिल गया कि तू सीए कर सकता है या नहीं कर सकता. 6 महीने में मिला नहीं मिला. तूने कुछ ना छोड़ा और तीनों फेल हो गए. सर अब बहुत मेहनत करूंगा यकीन करे कसम खा रहा हूं मैं. चल फिर फेल हुआ. सर अब की बार तो पक्का कसम खा रहा हूं मैं बहुत मेहनत करूंगा मैं. ये कसम खाते खाते 3 साल निकल जाएंगे तेरे और फिर तुझे 3 साल के बाद जवाब मिलेगा आई हैव टू क्विट दिस प्रोफेशन. अगर तुझे 6 महीने में जवाब चाहिए ना तो तुझे फुल जान माननी है. अब ये तुझ पर है कि तुझे जवाब 6 महीने में चाहिए या तुझे 3 साल में जवाब चाहिए. लेकिन एक बात तय है कि जितने बैठे हुए हैं और जितने इस क्लास को देख रहे हैं सब ना सीए फाइनल तक पहुंच पाएंगे ना सीए पास कर पाएंगे. नाउ इट्स अ चैलेंज फॉर यू कैन यू डू दिस एंड दिस इज अ 6 मंथ चैलेंज. डू यू एक्सेप्ट दिस एवरीवन रेज योर हैंड्स. ग्रेट गुड. टैक्स सिस्टम गुड भाई. ऑनलाइन वाले बच्चे भी हाथ रेज कर रहे हैं. वेरी गुड. हाँ रेज हैंड का ऑप्शन होता है. मजाक समझ रहे हो क्या तुम. अच्छा भाई टैक्स सिस्टम. टैक्स है क्या. ये टैक्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिससे तुम्हारा मुल्क चल रहा है. यानी कि अब तुम छोटे मोटी बात नहीं कर रहे हो. अब तुम इमरान खान के माइंड सेट से सोच रहे हो कि करना गया है इस मुल्क का. बात आई समझ में. टैक्स मुल्क चलेगा कैसे. मुल्क चलेगा कैसे. सर इस मुल्क को एक घर चलाने के लिए एक छोटा सा घर चलाने के लिए भी सर बजट चाहिए होता है. हमारे अब्बा मंथली अर्न करते हैं. हमारे घर का एक बजट है 1-1.5 लाख रुपए का. 60,000-50,000 रुपए का एक बजट है. उस बजट के अंदर हमारा घर चलता है. क्या ख्याल है. अम्मा उसी बजट को देख के सौदा सलफ लाती है. ज्यादा हमारी फरमाइश होती है आज गोश्त पकाओ तो अम्मा बोलती है खबरदार बजट आउट हो रहा है ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब सर जिस तरह हर घर का बजट होता है सर क्या इतना बड़ा मुल्क बजट के बगैर चल सकता है. नहीं चल सकता. क्या उसके खर्चे मुझे मुतय्यन करने पड़ेंगे. क्या मुझे उसके खर्चों का तायुन करना पड़ेगा कि मुझे मुल्क चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए. क्या ख्याल है. सर मुल्क चलाने से मुराद मुल्क तो ऑटो मोड में नहीं चल रहा. ऑटो पायलट मोड में नहीं चल रहा मुल्क. पागल हो गया. मुल्क में भाई ये जो सियासतदान है ये जो इकोनॉमी है फाइनेंस मिनिस्ट्री है तुम्हें क्या पता तुम पे कितना खर्चा कर रही है. हेल्थ पे इतना खर्चा हो रहा है. एजुकेशन पर इतना खर्चा हो रहा है. रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्चा हो रहा है. ये मुल्क कैसे चल रहा है. चल रहा है. ये जो मेट्रो लगाई है भाई ये जो मेट्रो चल रही है ये सब खर्चा किस पे हो रहा है. बात तो सही है. खैर
तो मुल्क चलाने के लिए there should be lots and lots of expenditure. यही सियासतदान वादे कर देना कि हम तालीम का निजाम यहां से उठा के वहां ले जाएंगे, वो पाकिस्तान से भर चलेगा. ठीक है, सेहत, सेहत तो सोच है आपकी, कोई बंदा बीमार ही नहीं होगा, पता लगा बंदे ही चल बसे सारे बीमार होना होगा. बात आ रही समझ में? रोड तो ऐसे होंगे, सोच है आपकी, रोटी कपड़ा और मकान तो हर किसी को मिलेगा, पता लगा एक रोटी मिल रही है, एक झोपड़ी मिल रही है. तो हमने कहा सर ये खर्चे किस पर हैं सारे के सारे? आवाम पर, इस मुल्क पर. और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जाहिर सी बात है, देखो हम तो हर जब भी ये चीजें सोचते हैं तो हम सोचते हैं करप्शन हो रही है, ठीक पैसा नहीं लग रहा, रोड टूटे हुए हैं, तालीम का निजाम ऐसा, सेहत का निजाम ऐसा. तो चलो वो तो एक एलिमेंट ऑफ करप्शन है ना. और मैं बताऊं, दूसरों के ऊपर लान तान करने से कुछ नहीं होता. हम में से हर आदमी अपने गिरबान पर झांके ना, हम में से हर एक अपनी जात में भी करप्ट है. आज तुम ट्रैफिक सिग्नल पे फंसोगे ना तो तुम बोलोगे यार मैं इसको 100 रुपए देके भाग जाऊं, ऐसा है ही नहीं है. मैं हेलमेट ना पहनूं और मुझे अगर पकड़ लेगा ना, मैं 50 रुपए दे दूंगा उसको. मैं सिग्नल तोड़ू, मैं दे दूंगा 100 रुपए. मैं ड्राइविंग टेस्ट पास किए बगैर लाइसेंस ले लूं. हर बंदा, देखो मेरे दोस्तों, हर बंदा अपनी जात में करप्ट है. हम दूसरे को क्या गाली दें, हम सियासतदान को क्या गाली दें? हमारा लेवल छोटा तो हमारी छोटी करप्शन, जिसका लेवल बड़ा उसकी बड़ी करप्शन. क्या ख्याल है? सो वी नीड टू इम्प्रूव आर सेल्फ. ठीक है, हंसी मजाक में तफरी के लिए हम लोग हंस भी रहे होते हैं, लेकिन द फैक्ट इज दैट वी नीड टू चेंज आर सेल्फ टू चेंज द कंट्री. तो अगर मैं किसी डेवलप्ड कंट्री की बात करूं तो वो डेवलप क्यों होगी? क्योंकि उसका पैसा ठीक जगह पे लग रहा है, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और दूसरी चीजों के ऊपर. मेन चीजें जिससे आपकी कंट्री डेवलप हो रही होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा ही है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बिजनेसेस के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आपकी ट्रेड अच्छी हो रही है, ये सारी चीजें ना. तो हुकूमत क्या करती है? हुकूमत इन सब चीजों को फोकस करती है, फ्लरिश करने की कोशिश करती है. तो अब मिसाल के तौर पर कोई भी हुकूमत आती है, उसको मुल्क चलाना है, और मुल्क को चलाने के लिए उसे एक एक्स नंबर ऑफ फाइनेंस चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए. पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा पैसा? पैसा आएगा टैक्स लगा के. किससे आएगा पैसा? टैक्स लगा के. अच्छा, तो इसका मतलब कि सर ये जो टैक्स हुकूमत हमसे लेती है, ये हुकूमत का रेवेन्यू होगा. क्या ख्याल है? ये हुकूमत का रेवेन्यू होगा. पहले हुकूमत के पास रेवेन्यू आया, फिर उसने खर्चे किए, रोड बनाए, हॉस्पिटल बनाए, क्या ख्याल है, कॉलोनीज बनाई गरीबों के लिए, ऐसा ही है ना. तो इसका एक मतलब तो हो गया कि सर ये टैक्स हुकूमत के लिए रेवेन्यू है. ठीक है, तो क्या हुकूमत का रेवेन्यू सिर्फ टैक्स से आता है? हमने कहा नहीं, सिर्फ टैक्स से नहीं आता, टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं. हर साल जून में, इस दफा भी जून में बजट आएगा. क्या आएगा? बजट. उसको हम कहते हैं एनुअल बजट. उसके ऊपर आगे जाके मैं और थोड़ी तफसील से बात करूंगा, इसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है. बजट कैसे बनता है, असेंबली में कैसे पास होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, एनुअल बजट. जिस तरह हमारे घर का बजट बनता है महीने का, इसी तरह मुल्क का बजट बनता है पूरे साल का. और जो भी हुकूमत बजट बनाती है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, अगर पीटीआई रहेगी तो पीटीआई बनाएगी, वरना कोई और बनाएगा. जो भी हुकूमत बजट बनाती है वो एस्टिमेट करती है कि अगले साल के अगर कोई बजट आ रहा है जून 22 में, कब आ रहा है? जून 22 में. तो वो किस साल के लिए आ रहा होगा? वो आ रहा होगा 1 जुलाई 2023 से ले सॉरी 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक. ये कहलाता है फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर कहलाता है. इस पर भी आगे मैं बहुत तफसील से बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ एक मोटा कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं आपका, सो दैट वी कैन स्टार्ट गोइंग. ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, फिस्कल ईयर कहलाता है. आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी ना, अकाउंटिंग के अंदर किसी कंपनी की तुम हिसाब किताब करते हो तो क्या बोलते हो? सर ये इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर है. एक होता है कैलेंडर ईयर, जैन से दिसंबर जो चल रहा होता है. हमारे मुल्क का जो हिसाब किताब है, वो कैसे चलता है? जुलाई टू जून, जुलाई से जून वाले साल में चलता है, जैन टू दिसंबर नहीं चलता. कैसे चलता है? जुलाई टू जून चलता है. यानी कि जून 2022 पे खड़े होके हुकूमत जो ऐवानों में बहस करेगी कि बजट इतना होना चाहिए और इतना बजट पास करो,
तो बेसिकली वो इस अगले साल के लिए अपना बजट पास करा रही है कि हमारे इस अगले साल के अंदर मिसाल के तौर पर 100 ट्रिलियन का हमारा एक्सपेंस है। कितना एक्सपेंस है? 100 ट्रिलियन का हमारा एक्सपेंस है। अब 100 ट्रिलियन का आप हमें बजट दो, हम आपको 100 ट्रिलियन का बजट देंगे। हुकूमत कहती है कि हम कितने ट्रिलियन का बजट देंगे? 100 ट्रिलियन का बजट देंगे, कि ये 100 ट्रिलियन हमारे पास कैसे आएगा? ओहो, जबरदस्त बात होगी। अच्छा भाई, 100 ट्रिलियन तुम्हारे पास आएगा कहां से? हम आवाम का खून चूसेंगे। अच्छा, कैसे चूसोगे भाई? हमने कहा टैक्स रेवेन्यू भी एक चीज होती है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी एक चीज होती है। हम आवाम पर टैक्स लगाएंगे और आवाम से पैसे लेंगे भाई। हम तो आवाम के नुमाइंदे हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, तो उनसे हम टैक्स मांगेंगे और उनकी फलाह बहबूद के लिए हम काम करेंगे। जबरदस्त। तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू के अंदर भी मुख्तलिफ टैक्सेस होते हैं, मुख्तलिफ टैक्सेस होते हैं। जैसे कि आपने एक तो देखा इनकम टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, एफईडी, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। ठीक है, ये हुए टैक्स रेवेन्यूज और अदर टैक्सेस। टैक्स लगा के जो रेवेन्यू हम कलेक्ट कर सके वो हमने टैक्स लगा के कर लिया, इनकम टैक्स लगा के, सेल टैक्स लगा के, कस्टम ड्यूटी लगा के, एफईडी लगा के। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं आ रहा हूं, इनकम टैक्स क्या होता है, अभी तो मैं उस पर आया ही नहीं हूं। फिर हम इनकम टैक्स क्या होता है इस पर बहस करेंगे लंबी। अभी तो मैं एक मोटा खाका बना रहा हूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है ये सारे टैक्स। अच्छा, अब हुकूमत ने बोला भाई ये सारे टैक्स हमने लगा लिए, लेकिन माजरत के साथ कोई टारगेट हमारा बैठ नहीं रहा। क्यों नहीं बैठ रहा? अच्छा भाई, तो हुकूमत ने कहा भाई ये जो हमने जितने भी टैक्सेस लगाए ना, ये सारे टैक्स मिला के बन गए, अंदाजे के हिसाब से ये बन रहे हैं 70 ट्रिलियन। 70 ट्रिलियन। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे? हमने कहा नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं? ये बेसिकली टैक्सेस नहीं होते, लेकिन ये भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल, ट्रैफिक चालान कहाँ जाता है? जब तुम सिग्नल तोड़ोगे और तुम्हें पकड़ लिया चाहिए भाई साहब ने, तो तुम्हारा चालान बनेगा, चालान जनरेट होगा, तो चालान के पैसे कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे। ऐसा है नहीं है? ड्राइविंग लाइसेंस फीस देते हो? ड्राइविंग लाइसेंस फीस देते हो? कहाँ जाती है? गवर्नमेंट के पास। पासपोर्ट बनवाते हो? पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट की फीस किधर जाती है? गवर्नमेंट के पास। कराची से हैदराबाद जाते हो, टूल प्लाजा आता है, टूल टैक्स लगता है, टूल टैक्स देते हो, तो टूल टैक्स किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट के पार्क्स होते हैं, गवर्नमेंट के पार्क्स के अंदर जाओ एंट्री टिकट होती है 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए, वो किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ लाइसेंसेज इशू करती है, कंपनीज को लाइसेंसेज इशू करेगी, ऑयल एंड गैस कंपनी को लाइसेंस इशू करेगी, कोई 5G का लाइसेंस इशू करेगी। अब मिसाल के तौर पर 5G टेक्नोलॉजी आएगी और 5G के लाइसेंस का ऑप्शन होगा, तो ये भी सारे पैसे किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे। इसका मतलब कि सर टैक्स के अलावा भी हुकूमत के पास माल खींचने के बहुत सारे जरिए मौजूद हैं जो टैक्स रेवेन्यू नहीं कहलाते। क्या कहलाते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। मैनी, जिसकी मैंने कई एग्जांपल आपको दे दी। अब मिसाल के तौर पर नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ गया 10 ट्रिलियन। अब हुकूमत ने बोला भाई खर्चे तो हमारे कितने हैं, माजरत के साथ। अच्छा, ये उल्टे चलते हैं। हमारे घरों में क्या होता है? अब्बा कमाते इतने, खर्चा इतने के अंदर अंदर ही होगा। हमारी हुकूमत ऐसे नहीं चलती। हमारी हुकूमत बोलती है भाई खर्चा तो इतना होगा, अब बताओ माल कहां से लाना है। अच्छा भाई, माल कहां से लाना है? टैक्स रेवेन्यू से इतना आ रहा, नॉन टैक्स रेवेन्यू से इतना आ रहा, अब खर्चे तो कम करो। आप नहीं, नहीं भाई खर्चे तो इतने ही होंगे भाई, मुल्क चलाना है हमको, माजरत के साथ, आप हमें तंग ना करें। तो भाई बाकी पैसे कहां से आएंगे? फंडिंग, लोन, फंडिंग। अब वो फंडिंग मुख्तलिफ लोगों से हो सकती है, और हो सकता है हुकूमत लोकल बैंक से ले, यहाँ के जो बैंक है उनसे पैसे उधार ले, हो सकता है हुकूमत आप लोगों से पैसे उधार ले, आवाम से पैसे ले, कंपनी से पैसे ले, ऐसा होता है। टी बिल्स इशू होते हैं, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशू होते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये क्या उल्टी सीधी मुश्किल मुश्किल बातें बता रहे हैं आप, चलो ये मुश्किल लगता है। अगली बात जो लिखता हूँ वो तो आसान है, प्राइस बॉन्ड।
प्राइस बॉन्ड में क्या होता है, हुकूमत ने तुमसे प्राइस बॉन्ड दिए, तुम्हें प्राइस बॉन्ड दिए और तुमसे पैसे ले लिए, सिंपल। क्या ख्याल है, क्या आवाज नहीं आ रही है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है बेटा, प्राइस बॉन्ड, हुकूमत ने प्राइस बॉन्ड इशू किए तो क्या किया, हुकूमत ने तुमको प्राइस बॉन्ड की टोपी कराई, पैसे ले ली, प्राइस निकलेगा, निकल नहीं रहा। 15,000 का बॉन्ड ले लिया तुमने, 15,000 का बॉन्ड ले लिया तुमने, तुमने हुकूमत को 15,000 रुपए दिए, 15,000 का बॉन्ड ले लिया, तो हुकूमत ने तुमसे उसूलन लोन ले लिया, कितने का, 15,000 का लोन ले लिया। जब तुम जाओगे बॉन्ड को कैश कराओगे, लोन वापस हो जाएगा, तो लिया तो लोन ही ना, उधार लिया ना हुकूमत ने तुमसे। अच्छा, लेकिन सर ये सारी हरकतें करने के बाद भी इधर से आ गए 5 ट्रिलियन, अभी भी कोटा पूरा नहीं हुआ है, तो अब क्या करेंगे, IMF के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, मुख्तलिफ कंट्रीज से भीख मांगो, कंट्रीज भीख, कितने हो गए भाई, ये भी ये 15 बच गए थे ना, 15 ट्रिलियन, ये कर लो 100 ट्रिलियन, हो गए टारगेट अचीव, टारगेट अचीव सर, भले भीख से हुआ तो क्या, टारगेट अचीव। क्या ख्याल है, अब तो भीख मांगने की आदत हो गई, चाइना से, सऊदी अरब से, इधर से उधर से, अब बांग्लादेश से भी मांगेंगे थोड़े दिन में, फिर अफगानिस्तान से भी मांगेंगे, सही बात है, ऐसे ही होगा। तो हमने कहा सर लेकिन टारगेट अचीव हो गया, कुछ भी आप कहें, थोड़ी जिल्लत हुई जरूर, लेकिन टारगेट अचीव हो गया, ये बात माननी पड़ेगी आपको। हमने कहा ठीक है भाई, जिल्लत से तो अचीव हो गया टारगेट। तो बेसिकली अब देखो मेजर चंक कहां से आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू से, टैक्स रेवेन्यू से। तो तुम्हारे कंधों पर इतनी भारी जिम्मेदारी है टैक्स पढ़ने की, कि ये टैक्स रेवेन्यू कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, टैक्स के कानून क्या है, किस तरह से टैक्स लगता है, किस पर टैक्स लगता है, किस रेट पर टैक्स लगता है, कब लगता है कब नहीं लगता, टैक्स के मोड्स क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें पढ़ना हमारे कोर्स का पार्ट है। सब चीजें तो नहीं, खैर जितना कोर्स के अंदर है उतना ही पढ़ेंगे हम, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। ठीक है, ये दो चीजें हम पढ़ेंगे और काफी हद तक पढ़ेंगे, काफी डिटेल में आप लोगों को इन चीजों का आइडिया होगा। ठीक है, ये सारी बातें क्या समझ आती हैं, ये एक मोटा खाका समझ आता है, अगर मोटा खाका समझ आता है तो आओ फिर हम मजीद डिटेल के अंदर डाइव इन करते हैं। ये कॉपी कर लिया, अगर किसी को करना है तो पिक्चर ले लें, मिटाई लूं मैं, नहीं ले, नहीं नहीं दिन दिनों को पिक्चर। अच्छा भाई, अब आओ टैक्सेस, टैक्सेस की दो ब्रॉड कैटेगरीज, दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम टैक्सेस को डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, गो के हमारे स्टडी टैक्स में चैप्टर हैं जिसमें हम इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी उस डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे, हम एक ब्रॉड ओवरव्यू देंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं, और फिर हम डायरेक्ट इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि क्या मतलब है इसका। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का मतलब यह है कि सर ये डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, टेक्निकल बात है कि नहीं, जबरदस्त है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, मिसाल के तौर पर वो टैक्स जो इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है सर, एग्जाम्पल इज इनकम टैक्स, ये इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए की इनकम है, मिस्टर ए की इनकम है पूरे साल की 15 लाख, और अब ने कहा मिस्टर ए की अगर इनकम है 15 लाख तो उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। किस रेट पे टैक्स देना पड़ेगा, वैसे तो टैक्स रेट आपके पास है लेकिन अभी उसके ऊपर ना जाओ। मैंने कहा इसके ऊपर देना पड़ेगा 10% पर टैक्स, अज्यूम कर लो, तो कितना बना, 1.5 लाख। सर टैक्स बन गया 1.5 लाख,
यानी कि हमने परसेंटेज ऑफ टैक्स डायरेक्टली किस पे अप्लाई की, इनकम पर अप्लाई की। तो ये याद रखने का पहला तरीका, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इसकी और क्या खसूसियत होती है? इसकी और ये खसूसियत होती है कि बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन सेम पर्सन, यानी कि बर्डन ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स एक ही पर्सन पर पड़ेगा, एक ही पर्सन पर फॉल होगा, सेम पर्सन पर फॉल होगा, सेम पर्सन पर फॉल होगा। इस केस में आओ, मिस्टर ए की इनकम है 15 लाख रुपए, टैक्स लगा 10% का, 1.5 लाख रुपए का टैक्स लगा, देगा कौन? मिस्टर ए। इसका बर्डन किस पर आया? मिस्टर ए पर। और हुकूमत को जमा कराने की जिम्मेदारी भी किसकी है? मिस्टर ए की। तो बर्डन भी मिस्टर ए पर आया क्योंकि उनकी जेब से ही पैसे निकल रहे हैं। क्या ख्याल है? बड़ी मुश्किल से 15 लाख रुपए कमाए थे, जिसमें से 1.5 लाख रुपए दिल पर पत्थर रख के जेब से निकाल के किसको दे रहे हैं? हुकूमत को दे रहे हैं। तो जेब से किसके निकल रहा है? मिस्टर ए। और पे करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? मिस्टर ए की जिम्मेदारी है। हुकूमत, अगर मिस्टर ए ने पैसे नहीं दिए तो हुकूमत मिस्टर ए का गिरेबान पकड़ लेगी, लाओ हमारा हिस्सा, हमारा टैक्स, मेरा मतलब है हमारा टैक्स, ठीक है। अच्छा भाई, ये इनकम टैक्स हो गया। सेल्स टैक्स क्या होता है? अच्छा, सेल्स टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल इज सेल्स टैक्स, जो हम पढ़ेंगे आखिर में। इनकम टैक्स इतना बड़ा है, इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, सेल टैक्स पढ़ेंगे फिर हम इंशाल्लाह। इसके अंदर क्या होता है बेटा? बर्डन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन डिफरेंट पर्सन। एग्जाम्पल, अच्छा सेल्स टैक्स की एग्जाम्पल देना बड़ा आसान होता है क्योंकि हम में से हर एक ने ये चीज देखी हुई होती है। मिसाल के तौर पर अगर अभी आप कैंटीन चले जाएं और कैंटीन के अंदर कोई जूस आप ले लें, जूस परचेज कर लें, कोई बिस्किट परचेज कर लें, प्रिंस बिस्किट मेरा फेवरेट, वो आप परचेज कर लें, जूस परचेज कर लें, स्लाइस जूस, नेस्ले का जूस, तो उस नेस्ले के जूस के ऊपर एक प्राइस लिखी हुई होगी, ऐसा ही है। उस नेस्ले के जूस के ऊपर क्या प्राइस लिखी हुई होगी मुझे पता नहीं है, खैर, लेकिन अज्यूम कर लो उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है 30+ सेल्स टैक्स। अभी सेल टैक्स की परसेंटेज क्या है क्या नहीं है मैं उस पर बहस कर ही नहीं रहा, अज्यूम करो 10 रुपए लिखा हुआ है, तो ये कितने का हो गया? 40 रुपए का जूस हो गया, तुमने दुकानदार को दे दिए 40 रुपए, खत्म हुई कहानी। लेकिन एक बात तो तय है सर, ये 10 रुपए क्या था? ये 10 रुपए क्या था? सेल्स टैक्स निकले मेरी जेब से पैसे। जूस तो 30 का था लेकिन 10 रुपए उसमें से क्या था? सेल्स टैक्स। लेकिन वो सेल्स टैक्स के पैसे भी दिए किसने? मैंने दिए, मैंने तो पूरे 40 दिए ना दुकानदार को। इसका मतलब कि इस 10 रुपए का बर्डन किसने बियर किया? एंड कंज्यूमर ने। क्या ख्याल है? जब मैंने अपनी जेब से ये 10 रुपए दिए, इसका मतलब इसका बर्डन किसने बियर किया? मैंने, एंड कंज्यूमर ने, जो जूस पी रहा है, जो बिस्किट खा रहा है, जो ठूस रहा है, उसने बियर किया, सही है। लेकिन तुमने ये सेल टैक्स क्या गवर्नमेंट में जमा करवाया? क्या बैंक में चालान जमा कराया? क्या FBR में जाके किसी को दिया है? हमने तो दुकान वाले को दे दिए पैसे। किसको दे दिए? किसको दे दिए? जूस खरीदा, 40 रुपए दुकान वाले को दे दिए। अब ये दुकान वाले की जिम्मेदारी है कि ये जो 10 रुपए है ये कहां जमा कराएगा? गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो बर्डन यहां पर किसी और पे, बर्डन यहां पर एंड कंज्यूमर पर है, और पे करने की जिम्मेदारी किसी और पर है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई नहीं होता, ये डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, और फिर कहते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, इट गिव्स राइज टू इन्फ्लेशन। और इट गिव्स राइज टू इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसका क्या मतलब हुआ सर? इनकम टैक्स में अच्छी बात थी, क्या अच्छी बात थी? जिसने जितना कमाया उसका उतना टैक्स,
जिसने कम कमाया उसका कम टैक्स, जिसने ज्यादा कमाया उसका ज्यादा टैक्स, जिसने कम कमाया उसका कम टैक्स, जिसने ज्यादा कमाया उसका ज्यादा टैक्स। इससे माशरे में मसावात कायम रहेगी। क्या ख्याल है? जो ज्यादा, और लॉजिकल भी है ना, जिसने ज्यादा कमाया इसका मतलब उसने इस मुल्क से, इस मुल्क की मिट्टी से, इस अर्ज पाक से, इस वतन से ज्यादा फायदा उठाया। जब उसने ज्यादा फायदा उठाया ही शुड पे मोर टैक्स। जिसने जितना ज्यादा फायदा उठाया उसको उतना टैक्स देना चाहिए, जिसने कम फायदा उठाया उसको कम टैक्स देना चाहिए। सेल टैक्स में क्या हो रहा है देखो जरा, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक जूस कैंटीन से जाके मैं पीता हूं और एक जूस वही नेस्ले का जूस ये भाई भी पीते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? तला। तला भी एक जूस पीता है, भाई मैं भी एक ही जूस पी सकता हूं, भाई मेरा पेट इतनी इजाजत देता है, ये भी एक ही जूस पी रहे हैं। चलो दो भले तुम पी सकते हो, लेकिन अभी देखो पी तो तुम चार पांच पी सकते हो, सही है, लेकिन अभी एक ही पीना है। तो हमने कहा भाई एक जूस से मेरी भी प्यास बुझ गई, एक जूस से इनकी भी प्यास बुझ गई, ऐसा है नहीं है? लेकिन सर तो उस जूस के ऊपर आपने भी 10 रुपए का टैक्स दिया और तला भाई ने भी कितने का टैक्स दिया? 10 रुपए का। सर तला भाई की इनकम है 1500 रुपए जो पॉकेट में इनको मिलती है, अज्यूम करो वही मैं इनकम मान लूं, अरे सर 1500 रुपए, और सर आपकी इनकम कितनी है आप बताएं, तो फिर हम रेशो निकालते हैं। अब देखो ये फंस गया, मिसाल देंगे भाई ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो कितनी इनकम है अज्यूम कर लो ऐसे ही अज्यूम कर लो, मेरी साल की इनकम 1500000 रुपए और इनकी महीने की 2000 के हिसाब से साल की कितनी हो गई? 24000। मिसाल के तौर पर किसी अपने दोस्त को ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो इनको 2000 रुपए फीस देता है हर महीने, तो 2000 रुपए इनकी फीस इनकम है और साल की इनकम कितनी है इनकी? 24000। और अज्यूम कर लो मेरी इनकम है साल की 1500000, मैंने भी 10 रुपए का जूस, 10 रुपए का टैक्स दिया जूस पे, इन्होंने भी 10 रुपए का टैक्स दिया जूस पे। क्या ख्याल है? अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो किसका रेशियो ज्यादा बनेगा? इनका रेशियो ज्यादा बनेगा, ऐसा है या नहीं है? सेल्स टैक्स 10 रुपए इन्होंने भी दिए, 10 रुपए मैंने भी दिए। मैंने कहा परसेंटेज तो निकालें सर, परसेंटेज तो निकालें, किसने ज्यादा दिया? पूरे साल के अंदर जूस, मिसाल के तौर पर मैंने पूरे साल के अंदर 100 जूस पिए तो कितने हो गए? 1000, और मेरी पूरे साल की इनकम है 1500000। तो जरा बताओ 1000 डिवाइडेड बाय 1500000, 1000 डिवाइडेड बाय 1500000 क्या परसेंटेज बनी? परसेंटेज भी नहीं निकल रही शर्म से, दो 1000 डिवाइडेड बाय 1500000 हजार, देखो मुझे ही करना पड़ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से। तो हमने कहा सर 0.067%, ऐसा ही है, और इन्होंने भी पूरे साल में 100 जूस पिए। 1000 डिवाइडेड बाय इनकी इनकम कितनी है? 24000। 2000 रुपए महीने का कमा रहे हैं और क्या, ठीक है भाई। तो आपने कहा सर इनकी तो बन गई 4.17%, ऐसी ही है। तो सर ये इनडायरेक्ट टैक्स तो बड़ा खतरनाक है, इनडायरेक्ट टैक्स तो बड़ा खतरनाक है सर, ये तो ये भी नहीं देखता कि किसकी कितनी इनकम है। हमने कहा तभी तो महंगाई बढ़ती है, क्या ख्याल है? आपने देखा होगा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, अब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, पेट्रोल के अंदर सेल्स टैक्स ठीक ठाक होता है। अगर हुकूमत ने पर लीटर पेट्रोल के ऊपर 5 रुपए का सेल टैक्स बढ़ा दिया तो पर लीटर 5 रुपए महंगा हो गया, क्या ख्याल है? अब मिसाल के तौर पर दो लोग हैं, दोनों पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों के पास बाइक है, दोनों ऑफिस जा रहे हैं, एक की सैलरी है महीने की 50000 रुपए की और दूसरे की सैलरी है महीने की 1.5 लाख रुपए की, एक की 50000, एक की 1.5 लाख, दोनों बराबर बराबर में घर है दोनों का, दोनों बाइक पे जाते हैं, दोनों पेट्रोल डलवाते हैं, एक की सैलरी 50000, एक की सैलरी 1.5 लाख, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। अज्यूम करो कि दोनों ने सेम लीटर ऑफ पेट्रोल डलवाया अपनी बाइक में तो पूरे साल में सेम सेल्स टैक्स दिया होगा,
और अज्यूम करो दोनों ने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स पूरे साल का दिया 5,000 अज्यूम करो, तो सर जिसकी सैलरी कम है उसका टैक्स रेट ज्यादा बन गया और जिसकी सैलरी ज्यादा है उसका टैक्स रेट कम बन गया। तो सर ये तो खुला तजाद नहीं है। हमने कहा इसीलिए सेल्स टैक्स महंगाई को बढ़ाता है। सेल्स टैक्स के ऊपर बड़ी तफसीली बात होगी और सेल्स टैक्स के अंदर तो हम लोग गोते खा रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं इस पर बिल्कुल ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक आइडिया देना था आपको, सिर्फ एक आइडिया देना है। उसके बाद अब ये सेल्स टैक्स हमारा कोर्स के आखिर में आएगा, सही, और बहुत तफसील से आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। तो बेसिकली सेल्स टैक्स महंगाई को बढ़ाता है, इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को बढ़ाता है। तो सर जब ये सेल्स टैक्स इतना ही कातिल है तो ये लगाया क्यों जाता है? हुकूमत को चाहिए कि सारा इनकम टैक्स लगा दे, जिसकी जितनी इनकम उसका उतना टैक्स, जिसकी जितनी इनकम उसका उतना टैक्स। हमने कहा इनकम टैक्स तुम देने वाले तो बनो तो फिर हुकूमत लगाएगी। जब किसी को कहा जाता है तुम्हारी जितनी इनकम होगी ना उतना टैक्स लगेगा, तो वो अपनी इनकम बताता ही नहीं है, छुपा लेता है। वो कहता है सबसे बड़ा भिखारी मैं, मेरी इनकम पे कोई टैक्स नहीं बनता, मैं दूंगा ही नहीं टैक्स। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो होती है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उनके साथ मसला यही होता है, वो टैक्स देना पसंद नहीं करती। आज आपको बोलो ना कितनी इनकम है यार, तुम्हारे अब्बा की इनकम कितनी और वो टैक्स कितना देते हैं, बताएगा ही नहीं कभी, क्योंकि अब्बा की इनकम होगी साल की 25,00,000 रुपए अज्यूम कर रहा हूं मैं, और वो टैक्स दे रहे होंगे 5,000 रुपए। यही होता है भाई, हम तो टैक्स प्रैक्टिस है ना, टैक्स प्रैक्टिस में बैठे हैं ना, हम तो देखते हैं ना लोग क्या कर रहे हैं। साल की इनकम है 10 करोड़, साल का टैक्स दिया 1,00,000 रुपए, 10 करोड़ में 1,00,000 रुपए का टैक्स दिया, 10 करोड़ में कितना टैक्स बनता है सर? वैसे आपस की बात है, बताएं तुझे कितना बनता है। अभी अगली क्लास में तुम लोग खुद निकालोगे कि 10 करोड़ पे टैक्स कितना बनता है, तो तुमको पता लगेगा 10 करोड़ पर कुछ नहीं तो 2.5-3 करोड़ का टैक्स बनता है, और वो दे रहा होगा 1,00,000 रुपए का टैक्स। यानी इतनी टैक्स चोरी है यू कैन नॉट इमेजिन। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जहां पे टैक्स चोरी बहुत होती है, जहां पे लोग खुद की खुशी से टैक्स देना पसंद नहीं करते, वहां पर हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो सेल्स टैक्स लगाए या इनडायरेक्ट टैक्स लगाए और जबरी टैक्स की वसूली करे। अब जब जबरी टैक्स की वसूली होती है तो उसमें गरीब भी पिसता है, क्या बात समझ आती है? तो ये मुख्तसर सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का, जिसमें मैं फिर से समराइज कर रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई होता है, बर्डन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स इनकम पर अप्लाई नहीं होता, इनकम पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, इसका बर्डन किस पर होता है? एंड कंज्यूमर पर होता है, और टैक्स की पेमेंट की जिम्मेदारी अलग बंदे पर होती है, मिसाल के तौर पर जैसे रिटेलर पर होती है जिसको टैक्स दिया जाएगा। अच्छा, कौन सा बेहतर है आवाम के लिए? खैर बेहतर तो यही है कि डायरेक्ट टैक्स लगाया जाए, लेकिन टैक्स चोरी की वजह से कोई टैक्स देना पसंद नहीं करता, हर बंदा अपनी इनकम को कंसील कर रहा होता है, छुपा रहा होता है, इस चक्कर में हुकूमत को मजबूरन कौन सा टैक्स लगाना पड़ता है? इनडायरेक्ट टैक्स लगाना पड़ता है, क्या बात समझ आती है? अच्छा भाई, इसके बाद अब हमारा डिस्कशन शुरू होगा इनकम टैक्स का। ये मैंने मुख्तसर साहब को कॉन्सेप्ट दिया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का, अब हम डायरेक्ट टैक्स से शुरू करेंगे और डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को। तो बड़ी बड़ी सी हेडिंग आपने डालनी है क्या? इनकम टैक्स। अच्छा बेटा, हैंडआउट्स आप सबके पास मौजूद हैं, हैंडआउट के ऊपर तो हम पहुंचेंगे नेक्स्ट या उससे भी नेक्स्ट क्लास में। हैंडआउट आप सबने अपने पास रखने हैं, आप सबने हैंडआउट्स को लेकर आना है। टैक्स रेट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बेटा, सबको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लो, जाने से पहले मुझसे ले जाना पड़े हुए हैंडआउट्स। और कोर्स को कवर करने का तरीका हमारा बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आपके इस हैंडआउट में लिखा हुआ है। एक दफा खोल के जरा देख लेते हैं हैंडआउट में क्या है। सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होंगे हैंडआउट में, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर मैं वो क्वेश्चंस भी कवर करा रहा होता हूं जगह जगह पर, जो सीए फाइनल के क्वेश्चंस हैं
लेकिन आपके लेवल की क्वेश्चन है, ठीक है। सीए फाइनल का लेवल डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जाहिर सी बात है एग्जामिनर भी सेम है, टेक्निकल पर्सन भी जो आईकैप का है वो भी सेम है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आईकैप ने सीए फाइनल के सवाल उठा के सीए इंटर के अंदर दे दिए, ठीक है। तो हम सीए फाइनल के सवाल भी, जो रिलेटेड सवाल हैं वो भी कवर कर रहे होते हैं, जरूरी है ये भी, ठीक है बेटा। तो सीए फाइनल के क्वेश्चंस, और उसके बाद लास्ट पेज पे आप देख सकते हैं क्विक समरी है। ये क्विक समरी हर हैंडआउट के साथ इंशाल्लाह आपको मिलेगी, लेकिन इस क्विक समरी से आपने हरामखोरी की इंतहा को नहीं पहुंचना। ये क्विक समरी समरी के लिए, बच्चे क्या करते हैं सर वो हो सर बस अब आप छोड़ दे मुझ पे, आपने समरी देके काम आसान कर दिया, अब अंदर का हैंडआउट कौन याद करेगा। देखा ऐसे नहीं करना, समरी का मकसद है समरी, गो के मैंने समरी को कोशिश करके बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और टू द पॉइंट बनाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपने हैंडआउट याद करना है और समरी को एज अ रिविजन टूल यूज करना है, ठीक होगी बात। अच्छा और हैंडआउट आप लोग सब अगली क्लास में लेकर आएंगे, और जिन्होंने आज की क्लास मिस की है, जो अभी लेट आए हैं, वो रिकॉर्डिंग जरूर भी जरूर देखेंगे। अच्छा सर एक और बात, ये मैं आ तो रहा हूं अभी इनकम टैक्स पर, लेकिन कुछ जरूरी बातें, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं इस वक्त, ठीक हो गई बात। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, मैं अपना नंबर मेंशन कर रहा हूं, और ये नंबर इसलिए नहीं है कि तुम लोग मुझे मैसेज करके तंग करो, इस नंबर पर मैसेज करके मुझे कोई तंग ना करे, मुझसे सवाल पूछने क्लास में पूछो, सवाल पूछने क्लास में, ठीक है, कोशिश करो क्लास में पूछो सवाल। कोई परेशानी है, कोई चीज तंग कर रही है, कोई क्लास का क्लैश आ रहा है, कुछ ऐसी बात है, तो जरूर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है वो मुझे मैसेज करेंगे, डियर सर प्लीज एड मी इन द रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप, बस ज्यादा आगे पीछे की बात नहीं, डियर सर प्लीज एड मी टू द रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप, तो वो मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे। ये आप अपने सेलफोन में सेव कर सकते हैं। फिर से मेरी बात सुन लो, जो नहीं है वो मुझे सिर्फ इतना मैसेज करेगा, डियर सर प्लीज एड मी टू द रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप, और मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। सही होगी ये बात, कोशिश करनी है कि क्लासेस फिजिकल लो, क्लासेस का लिंक आपको शेयर हो रहा होगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फिजिकल आके क्लास लो, कोई मसला है तो ठीक है ऑनलाइन क्लास ले लो, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा भाई 10-15 मिनट हम और लेंगे क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई थी। अब हमारा डिस्कशन है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स। अच्छा हम हर चीज को बड़ा बेसिक से लेके चलेंगे क्योंकि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट आप सबके लिए नया है, चाहे आप ए लेवल से हो, चाहे आप इंटर प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो, आपके लिए हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, बिल्कुल फ्रेश, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट टैक्सेशन। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे, कोई लंबी चौड़ी मोटी मोटी बातें हम नहीं करेंगे, अगर मेरी जुबान से कहीं कोई मोटी बात निकल आए तो मुझे उसी वक्त रोक देना कि सर ये थोड़ी ऊपर से चली गई है, ठीक है। वही बात इनकम टैक्स, इनकम टैक्स सबसे पहले हम इन दोनों अल्फाज पे गौर करेंगे, इनकम मतलब क्या है। दो अल्फाज हैं इनकम और टैक्स। टैक्स किसको कहते हैं, टैक्स को अगर तुम अंग्रेजी जबान की डिक्शनरी में तलाश करोगे तो टैक्स का मतलब होता है बर्डन, टैक्स कहते हैं बर्डन को, टैक्स कहते हैं बोझ को। सर क्या ये वही बोझ है जो हम अपने अम्मा अब्बा पे हैं? वो बोझ नहीं है, ठीक है, ठीक है, आप जल्द से जल्द क्वालिफाई करें ताकि आप अपने अम्मा अब्बा के एसेट बन जाएं इंशाल्लाह, सही है। बोझ सर, ये बोझ क्यों है, बोझ क्यों है सर, अगर मैंने इनकम कमाई 15 लाख रुपए और अगर टैक्स वाला मुझसे लाख रुपए टैक्स लेके चले जाता है, मुझे हुकूमत को लाख रुपए देने पड़ जाते हैं, तो ये बोझ तो ना हुआ, मेरी जेब पहले भारी थी अब हल्की हो गई। आप कह रहे हैं बोझ है, हाँ जब पैसा जेब से निकलता है तो दिल तो दुखता है, जब ज्यादा पैसा निकलता है तो ज्यादा दिल दुखता है, ज्यादा दिल दुखता है। तो इसका मतलब कि सर ये हमारे दिल पे बोझ हुआ, ऐसा ही है, ये दिल पे बोझ है बेसिकली, ये दिल पे बोझ है, और टेक्निकली दिस इज अ बर्डन ऑन योर डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम।
सही है। तुम्हारे पास तुमने साल के 15 लाख रुपए कमाए तो तुम खर्च कितने कर सकते थे? 15। तो इसका मतलब है तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं उस इनकम को जो खर्च की जा सकती हो, जो खर्च की जा सकती हो, मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूं, डिस्पोजेबल इनकम। मैंने पैसे कमाए 15 लाख रुपए। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना कमाए, ये भी बड़ा टेक्निकल है। कमाने से क्या मुराद है, इस पे भी बात करूंगा मैं। इसमें हर स्टेप पे टेक्निकलिटी इन्वॉल्व्ड है। टैक्स इज अ लॉ। देखो ये जो तुम टैक्स पढ़ रहे हो ना, इनकम टैक्स एक लॉ है और इसमें हर बात में एक बारीकी निकलेगी जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इनकम टैक्स, टैक्स तो टैक्स इज अ बर्डन ऑन योर डिस्पोजेबल इनकम। तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम थी 15 लाख, तुमने पूरे साल में कमाए 15 लाख, जिसमें से टैक्स वाला लेके चले गया 1.5 लाख रुपए, तो बच कितने गए? 13.5 लाख। अब तुम 15 खर्च नहीं कर सकते, अब तुम कितने कर सकते हो? 13.5। पहले तुमने सोचा था मैं 15 लाख रुपए की गाड़ी ले लूं, अब तुम नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। क्या ये बात समझ आती है? तो टैक्स इज अ बर्डन एंड इट इज अ बर्डन ऑन योर डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, इसके ऊपर बहुत तफसीली बात होगी, किस रेट पर टैक्स लगेगा, कब टैक्स लगेगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेना काफी है कि टैक्स इज अ बर्डन। और जब मैं बात करूं इनकम टैक्स, इसका मतलब ये आपकी इनकम के ऊपर बर्डन है। टैक्स इज अ लेवी, इज अ चार्ज, ये हुकूमत के पास जाता है। किसके पास जाएगा ये? टू गवर्नमेंट। अभी हमने देखा था ना पूरा खाका, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो बेसिकली ये हुकूमत का रेवेन्यू है। ठीक है, आपने जो पूरे साल इस वतन की मिट्टी को इस्तेमाल किया, इस मुल्क की फैसिलिटीज को इस्तेमाल करके आपने ये जो इनकम कमाई है, सो बेसिकली दिस इज द टाइम टू रीपे समथिंग टू योर कंट्री, दिस इज कॉल्ड टैक्स। असल डिस्कशन होगा हमारा इस पे हमारा बड़ा लंबा डिस्कशन होगा। इनकम क्या है सर? व्हाट इज इनकम? क्या इनकम की कोई डेफिनेशन है लॉ में? क्या इनकम की लॉ में कोई डेफिनेशन है? जी है। इनकम का लॉ, इनकम टैक्स का लॉ क्या है वो भी हम बात करेंगे। इनकम टैक्स का जो लॉ है वो कहलाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये एक लॉ है, कानून है। इसकी इतनी मोटी मोटी दो किताबें होती हैं जो कि आप देखोगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए ना देखो तो अच्छा है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सीए फाइनल में देखेंगे क्योंकि सीए फाइनल के अंदर ओपन बुक है तो हम पढ़ते हैं इतनी मोटी किताबों से, लेकिन अभी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है ना। व्हाट इज इनकम? इनकम है क्या? क्या है इनकम? किसको कहोगे इनकम? अगर मैं तुमसे पूछूं इनकम किसको कहोगे तो क्या है, किसको कहोगे इनकम? आमदनी। बड़ा वेग वर्ड है ये आमदनी। आमदनी को इनकम कहेंगे सर हम। ये वर्ड बड़ा धोखेबाज है। ये वर्ड जैसे ही ये वर्ड आता है ना हमारे नजरों के सामने, ऐसा लगता है जो भी आमद हो रही है वो इनकम है। आमदनी, जो भी आमद हो रही है वो इनकम है, जो भी जेब में माल आ रहा है वो इनकम है। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ये बात पूरी दुरुस्त नहीं है। अभी हम इस पर मजीद बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इनकम आप लोगों के जहन में, एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम क्या है? एनी एग्जाम्पल? बिजनेस। सर बिजनेस से आने वाला पैसा ऐसा ही है? सर सैलरी, जिसकी लालच में हम लोगों ने सीए प्रोफेशन ज्वाइन किया, सैलरी, ज्यादा सैलरी की लालच में हमने ज्वाइन किया ये प्रोफेशन। रेंट, रेंटल इनकम, सर्विसेज, वो बिजनेस में आ गए। वैसे हमारे टैक्स के लॉज के अंदर भी यही हेड्स ऑफ इनकम कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, रेंटल इनकम हो गया, एक हेड होता है कैपिटल गेन। अगर किसी ने कोई शेयर्स बेच लिए, शेयर्स बेच के पैसे आ गए, अभी मैं डिटेल में नहीं आ रहा सर, कैपिटल गेन हो गया। और हमारा लॉ कहता है कि अगर कोई भी और इनकम है जो इनमें से किसी भी हेड में नहीं जा रही तो वो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, यही पांच हैं हमारे लॉ के हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा, तो हमारे जहनों में जो बात आई वो हमने लिख दी कि इनकम क्या होती है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ कुछ सवाल करूंगा आपसे, तो आप मुझे बताएंगे क्या वो इनकम होती है। मिसाल के तौर पर ये तलहा है, आपका नाम क्या? मुस्तफा। मुस्तफा ने तलहा को 1,00,000 रुपए दिए और तलहा ने वादा किया कि मैं ये 1,00,000 रुपए आपको 6 महीने बाद रिटर्न कर दूंगा। क्या ये 1,00,000 रुपए तलहा की इनकम है? क्यों? ये भी तो आमद हुई है, आमद, आमदनी, इनकम नहीं सर, आमदनी तो हुई है लेकिन साथ में कुछ टर्म्स भी अटैच है, इसलिए दिल नहीं मान रहा इसको इनकम बोलने का। थोड़ी देर पहले तो आपने कहा जो भी आमद हो रही है वो इनकम है। दूसरी बात, एग्जाम्पल नंबर टू, रमजान आ रहा है, रमजान के बाद ईद भी आएगी और ईद में ईदी भी आएगी, माल आएगा, माल, और हो सकता है किसी की ईदी जमा हो जाए 25,000-50,000, हो सकता है ना बेटा, हो सकता है 50,000 रुपए ईदी। तो क्या ऐसा, क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना कि सर आई हैव अर्नड 550,000 इनकम ऑन दिस ईद? हैव यू एवर हर्ड? नहीं सर, ये इनकम तो नहीं होती, इनकम तो नहीं सर, ये तो खुशी का सौदा है, खुशी का सौदा है, जिसने जितनी खुशी से दे दी। हमने कहा अच्छी बात है भाई, तो इसका मतलब कि सर ईदी भी मिल रही है तो ये इनकम नहीं लग रही हमें, दिल नहीं मान रहा, दिल नहीं मान रहा। चलो ठीक है, तुम्हारे दिल की सुन लेते हैं। तुम्हारे अम्मा अब्बा हर महीने तुम्हें पॉकेट मनी दे रहे हैं 3,000 रुपए, तो क्या कभी तुमने किसी को ये कहते सुना कि हमारी हर महीने की इनकम है 3,000 रुपीज? नहीं सर, ये भी नहीं। क्यों? लेकिन वो भी तो आमदनी हो रही है, जेब में आ रहे हैं पैसे। हाँ सर, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा कि हम इसको इनकम कहें। कभी देखा तुमने किसी कजन की मंगनी हो गई हो, शादी हो गई हो, उसको बड़े लिफाफे मिलते हैं, एनवेलप्स मिलते हैं, क्या ख्याल है? कभी तुमने उस इवेंट के बाद किसी को कहते सुना कि हमने इस दफा जो हमने शादी की ना, हमारी इनकम हुई है 2,00,000 रुपए, इस दफा शादी पे इनकम हुई है 2,00,000 रुपए, ऐसा कभी किसी को बोलते सुना है? या इस दफा सर इंगेजमेंट हमने की है तो माशाल्लाह से 1,50,000 रुपए कमा लिए आपके भाई ने? नहीं, नहीं सर, इसको भी इनकम तो नहीं बोलते, हालांकि जेब में तो आया है पैसा, लेकिन इसको भी इनकम नहीं बोलते। अच्छा भाई, तुम्हारा दिल कह रहा है तो नहीं बोलते इसको भी इनकम। अच्छा, जबरदस्त बात होगी। अच्छा, कभी आपने सुना होगा किसी के वालदैन का इंतकाल हो गया, किसी के अम्मा अब्बा का, किसी आपके किसी दोस्त का, जानने वाले का इंतकाल हो गया और उसको इनहेरिटेंस के अंदर पैसे मिल गए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो क्या कभी किसी ने ऐसे पूछा कि भाई वो तुम्हारी इनकम कितनी हुई, तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, इनकम कितनी हुई तुम्हारी? कभी किसी को देखा ऐसे पूछते हुए? नहीं सर, तो थप्पड़ आएगा, जोरदार किस्म का थप्पड़ आएगा। तो लेकिन माल तो मिला है, क्या ख्याल है भाई? जिसके पेरेंट्स का इंतकाल हुआ है उसके बच्चों को सक्सेशन में माल तो मिला है, पैसा तो मिला है, तो सर फिर उसको इनकम कहने में क्या कबाहत है? मैंने कहा अभी कबाहत है नहीं है, डेफिनेशन क्या है मैं तो उस पे आ ही नहीं रहा, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। तो आपने कहा नहीं सर, मेरा दिल तो नहीं मान रहा। तो हमने कहा भाई अभी तुम्हारा दिल भी अजीब है, किसी आमदनी को इनकम मानता है और किसी को इनकम नहीं मानता, तो ये क्या कोई यार्ड स्टिक है इसके पीछे, क्या कोई लॉजिक है इसके पीछे, क्या कोई प्रिंसिपल है इसके पीछे कि ये इनकम है और ये इनकम नहीं है, ये इनकम है ये इनकम नहीं है? क्या कोई लिटमस पेपर टेस्ट चल रहा है यहाँ पे? करते थे ना हम लोग प्री इंजीनियरिंग के, जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं उनको पता होगा, वो लेबोरेटरी में टेस्ट करते थे एसिड है या बेस है, लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है रेड हो रहा है यही देख रहे होते थे। तो हमने कहा सर क्या यहाँ पे कोई ऐसा लिटमस पेपर टेस्ट है, क्या यहाँ कोई जादू की छड़ी है, ठक इनकम के ऊपर मारी तो पता लग गया कि ये इनकम है और ठक मारी आवाज नहीं आई तो ये इनकम नहीं है, ऐसा क्या क्राइटेरिया है सर? तो हमने कहा इसका क्राइटेरिया मौजूद है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया मौजूद है, और उस इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया के लिए इंशाल्लाह मंडे की क्लास में आपसे मुलाकात होती है सुबह ही सुबह at 10 AM। कोशिश करना लेट ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और बहुत जरूरी बेस बनानी है आपकी कि व्हाट इज इनकम, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद हम देखेंगे कि लॉ के अंदर इनकम की डेफिनेशन क्या है। क्या बात समझ आती है? तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, मंडे को आप लोगों से मुलाकात होती है।
जो बंदा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है बेटा, जरूर भी जरूर मुझको मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूं। थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट, मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।